काफी देर से सदस्य रहे हैं, लेकिन इनको रिजाइन करना पड़ा था क्योंकि जब पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट थी, चंद्र प्रकाश गंगा और चौधरी लाल सिंह बीजेपी के दो ऐसे मंत्री थे जिन्होंने रसाना रेप एंड मर्डर केस में उन रेपिस्ट का, एलिज्ड रेपिस्ट का साथ दिया था और सीबीआई की इंक्वायरी की थी। तब पार्टी और पीडीपी जो उस वक्त कोलिशन का पार्टनर थी, उनके प्रेशर की वजह से इन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। इन्होंने अपनी सीट जो है विजयपुर की रिटेन कर ली है। अमिताभ जी, जम्मू कश्मीर के हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं सिरसा से, जहां ये दुष्यंत चौटाला के घर पर अगर अमित है तो बताइए कि पहले बताइए कहां हैं आप, चाय बन रही है, लेकिन क्या सियासी चाय में उबाल आ पाएगा चौटाला परिवार के लिए, जेजेपी के लिए? देखिए, फिलहाल हम यहाँ आईएनएलडी मुखिया अभय चौटाला के यहाँ हैं, और जो आप चाय की बात कर रही हैं, फिलहाल अभी सियासी उबाल क्या पूरी तरीके से सियासी ठंडापन यहाँ पर अभी नजर आ रहा है। देखिए, कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, खुद एलाहाबाद की सीट से अभय चौटाला यहाँ पर अभी पीछे चल रहे हैं, हालांकि उनके गठबंधन की दो सीटें से वो आगे चल रहे हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, लेकिन खुद वो पीछे चल रहे हैं। आईएनएलडी ने इस बार बहुत बड़ा दाव चला था, दाव ये था कि बसपा के साथ गठबंधन कर इस चुनावी वैतरणी को पार करना था, लेकिन उनका ये दाव फिलहाल सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मात्र दो कैंडिडेट अभी लीड कर रहे हैं और खुद इन्हें लोग मुखिया जो है वह एलानाबाद, जो उनकी परंपरागत सीट है, जो उनका गढ़ रहा है, वहां से वो पीछे चल रहे हैं। तो एक जो गेम चेंजर की उम्मीद कर रहे थे, या फिर एक प्लेमेकर की जो उम्मीद कर रहे थे, किंग मेकर की जो उम्मीद कर रहे थे, अभय चौटाला फिलहाल इंडियन नेशनल लोकदल के कैंप से वह नहीं हो पा रही। और देखिए, तस्वीरें इस बात का गवाह, ये उनका दफ्तर है, अभय सिंह चौधरी, अभय सिंह चौटाला, और यहाँ पर लोग एकदम खाली हैं, चुनिंदा लोग ही मौजूद है। सर, किस तरीके से आप पार्टी के रिजल्ट्स को देख रहे हैं? खुद ये पीछे चल रहे हैं और मात्र दो सीटों में आगे चल रही है, वो पब्लिक की मर्जी है, पता लगेगा जी। तो एक गांव भी आगे कर सकता है, एक गांव भी आगे कर सकता है, सारा पिछली बार भी यही हुआ था, 9-10 राउंड थे अभय सिंह पीछे सी, वो दो चार राउंड ने जिता दिए थे, लेकिन बाकी के तो प्रदेश में भी तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। अप हुआ है जी, पिछला रिजल्ट देख लो, अब देख लो, जेडी 25-25 वोटर रहेंगे जो थे आपके पास, तो कहां पर ये गठबंधन आगे चल रहा है, जो उम्मीद पर फटाफट से। हाँ, देखिए, एक करण सिंह चौटाला है और एक और बसपा के कैंडिडेट है अटेली विधानसभा सीट से, वो लगातार आगे चल रहे हैं, ये दो सीट है अलानाबाद से आपके पास आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। अटेली से बसपा उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं, अर्जुन चौटाला रानिया से आगे चल रहे हैं। हम आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि 49 रुझानों में बीजेपी, कांग्रेस 35 पर, एनएलडी बीएसपी दो सीटों पर आगे रुझानों में, आम आदमी पार्टी 0, देवेंद्र कादियान 15,000 वोटों से लीड है। अभी जो ताजा जानकारी हम आपको दे दें वो है देवेंद्र कादियान को लेकर, गन्नौर सीट, कुलदीप शर्मा कद्दावर नेता, बड़ा चेहरा, लेकिन पीछे रहने का एक बड़ा कारण ये है, कुलदीप शर्मा 5 साल कहीं नजर नहीं आए, विदेशों की सैर तो बहुत की, लेकिन जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, समर्थकों के बीच नजर नहीं आए कुलदीप शर्मा, हवा का भी असर नहीं दिख रहा। देवेंद्र कादियान बीजेपी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, निर्दलीय चुनाव मैदान में है, हॉटलियर है, और देवेंद्र कादियान 15,000 से लीड कर रहे युवा चेहरा। हमारे साथ बातचीत में हमारे सहयोगी अंकित जब गए थे तो कहते लिख कर ले लेना कि मैं ही चुनाव जीतूंगा गन्नौर से। तो चलिए अमिताभ जी से कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेते हैं। अमिताभ जी, जैसे मैं पहले कह रहा था कि आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को बड़ी कीनली ऑब्जर्व करते हैं, जम्मू कश्मीर में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो है हमेशा से हालात खराब करने में लगा है, और जब 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 को हटाया गया था, पाकिस्तान उस चीज को हजम नहीं कर पाया है, पीसफुली इलेक्शंस हो गए, हालांकि पार से बड़ी कोशिश की गई थी उसे डिस्टर्ब करने के लिए। अब आगे जम्मू कश्मीर के लिए आप क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जीत, जैसे आपने कहा तेजिंदर जी, ये हुआ है कि जमहूरियत की जीत है, एक इंडियन डेमोक्रेसी की जीत है कि आपने आज इलेक्शन जम्मू कश्मीर में किए, और सारी तंजीमें, जैसे आपने कहा प्रो सेपरेटिस्ट भी थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ, और उसके बाद ऐसी सरकार का अंदेशा है जो बीजेपी की नहीं होगी। इससे ज़्यादा बड़ा टेस्टिमनी, एविडेंस जो है कि भारत की डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है, कोई और नहीं हो सकता।
अब आगे के लिए यही मेरा मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर का फ्यूचर हमने ब्राइट देखना है तो जो भी सरकार बने एनसी और कांग्रेस की वो मिलजुल के सेंटर के सरकार के साथ एक कॉमन एजेंडा पे काम करे जिससे जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को स्किल्स मिले, एजुकेशन मिले, एम्पावरमेंट मिले और लोगों को पता चले कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्या मतलब है और 8-10 साल के बाद एक इलेक्शन, 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं, इसलिए लोगों को अब ये पता चलना चाहिए कि एक जमहूरी की जमहूरी सरकार जो बनी है वो उनके हित में काम करेगी। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, एक चीज यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी आपसे, गवर्नर रूल को लेकर भी लोगों के बीच में काफी गुस्सा है, खासतौर पर अगर वैली के लोगों की बात की जाए। अनएम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट तो इश्यूज रहे लेकिन गवर्नर रूल भी एक वहां पर इशू रहा है। आपने कहा कि अब जो भी सरकार आए वो सेंटर के साथ मिलकर काम करे, ऐसे में गवर्नर रूल और 2 महीने पहले चुनावों से ठीक 2 महीने पहले गवर्नर्स की पावर्स को बढ़ा देना, ये कहीं ना कहीं लोगों में गुस्से का एक कारण रहा था। तो क्या ये तालमेल सेटल हो पाएगा और लोगों के मन में ये नैरेटिव जाएगा कि तालमेल के साथ काम हो रहा है क्योंकि वहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने नैरेटिव कुछ और ही सेट किया है? देखिए, जम्मू कश्मीर का मुद्दा, जम्मू कश्मीर की सियासत एक नॉन पार्टिसन बेसिस पे चलनी चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टीज ने तो ये इलेक्शन लड़ा लेकिन एक नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित में यह है कि मिलजुल के काम किया जाए। और यह भी सही बात है कि कोई भी सरकार हो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो वो ज्यादा अकाउंटेबल रहेगी। एक गवर्नर कितना भी विजनरी हो लेकिन वो एक इंसान है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों पे। अब क्योंकि नई एक सरकार बनेगी, उसको मोदी सरकार के साथ मिलजुल के काम करके जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना है और इसी में जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है, एनसी कांग्रेस की जीत है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जीत है और भारत की जीत है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और जिस तरह से उम्मीद ये की जा रही है, जम्मू कश्मीर की आवाम भी ये उम्मीद कर रही है और इसी उम्मीद के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम ने इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है मतदान में और जमहूरियत के इस पर्व में, जिस तरह से उन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई है ये दिखाता है कि कितनी जरूरत जम्मू कश्मीर को इन विधानसभा चुनावों की थी। और अब क्योंकि ये जो रुझान है नतीजों में आने भी शुरू हो चुके हैं, जम्मू संभाग के नतीजे अभी तक सामने आए हैं तेजेंद्र जी, और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर जीत दर्ज किया एक हजरत बल से और अगर बाकी कैंडिडेट्स को देखा जाए तो जम्मू संभाग से उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी जो रुझानों में आएंगे। हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, आंकड़ा हम साथ साथ दिखा रही, रुझान एक बार फिर से आपको साफ कर दे कि सटीक रुझान सटीक परिणाम सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखाएगा। 90 विधानसभा सीटें, 49 सीटों पर बीजेपी, बहुमत के आंकड़े से भी 3 आंकड़े ज्यादा है, 3 नंबर ज्यादा है, वहीं कांग्रेस बहुत पीछे 35। तो यहां से अंदाजा लगाइए कि जो हवा की बातें कर रहे थे क्या वो वाकई में हवा हवाई बातें साबित हो रही हैं। 49 सीटों पर बीजेपी आगे, 35 पर कांग्रेस आगे। रुझानों में शिकायत भी कांग्रेस की तरफ से दर्ज करवाई गई है चुनाव आयोग की तरफ से, कहा चुनाव आयोग को लेकर कहा जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कि 11 से 12 राउंड तक की काउंटिंग हो चुकी है, फिर आप क्यों 6 से 5 तक का ही आंकड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर बहुत पेचीदा है मामला कांग्रेस के लिए। Clear mandate will come in favor of the Congress. These are all attempts may being made to vitiate the atmosphere and to put pressure on the local administration. Do you say that's why the BJP is saying that we are forming the government? There is no way that the BJP can form the government. The people of Haryana won't change. Their own ground reporters are not positioned. को आप सुन रहे थे, नाराजगी है चुनाव आयोग से भी नाराजगी है, लेकिन मायूसी चेहरे पर देखिए कितनी मायूसी उनके चेहरे पर नजर आई थी। आपको बड़ी खबर अपडेट दे दें, बड़ी खबर यह है जुलाना विधानसभा सीट को लेकर। विनेश फोगाट 5500 वोटों से कैप्टन योगेश वैरागी से आगे चल रही हैं। 1 राउंड बाकी है अभी मतगणना का, लेकिन इसी से आप अंदाजा लगाइए, भले कांग्रेस के नेता नाराज होंगे लेकिन विनेश फोगाट जिसको लेकर कहा जा रहा था कि अगर सबसे बड़ी जीत होगी तो जुलाना विधानसभा सीट से होगी या गढ़ी सांपला किलोई से और नारनौंद विधानसभा सीट से, लेकिन उनमें से एक जुलाना परिणाम करीब 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 ही है। यहाँ पे 5500 वोटों से आगे जरूर है लेकिन जीत बहुत बड़ी यहाँ नजर नहीं आ रही। 1 राउंड की काउंटिंग अभी रहती है। कैप्टन योगेश कुमार अभी बीजेपी के पीछे उनसे चल रहे हैं। विनेश फोगाट 5500 वोटों से आगे 12 बज रहे हैं। रुझान जिस ढंग से स्थिर होते चले जा रहे हैं मुझे लगता है कि हमें एक निर्णायक
विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अपनी भावी पराजय की पेशबंदी करने में जुट गई है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने सुधांशु त्रिवेदी को सुना, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुदेश। और इससे पहले जब हम बात कर रहे थे उस वक्त लड्डू बांटे जा रहे थे कांग्रेस मुख्यालय में, ढोल नगाड़े बज रहे थे और आपने ये कहा था कि शायद प्रीमेच्योर है घनश्याम सर्राफ है, लगातार चुनाव लड़ रहे, जीत रहे, क्या बात है, नाराजगी थी, काम नहीं करवाए और कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में देखा था विरोध बहुत जगह हुआ था, ताकि आप नजर नहीं आते, लेकिन अभी तो 19,000 से लीड कर रहे हैं, ये एक बार निशान ठीक कीजिएगा प्रकाश का निशान, क्योंकि कांग्रेस के हैं यहां से उम्मीदवार, तो जो सिंबल जा रहा है वो गलत जा रहा है, लेकिन हम बता देते हैं कि घनश्याम सर्राफ बीजेपी के उम्मीदवार यहां से जो आगे चल रहे हैं, प्रकाश जिनके साथ उनका मुकाबला है कांग्रेस के उम्मीदवार, सिंबल गलत चला गया है, लेकिन आपको बता दें 19,000 की लीड है, लेकिन क्या ये लीड तोड़ पाएंगे कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सर्राफ, बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आते, लेकिन कुछ तो है उनमें कि जनता उनका साथ हर बात देती है। बिल्कुल सुदेश, और साथ ही साथ अगर जम्मू कश्मीर के रुझानों पर भी एक बार नजर डाल ली जाए, अपडेट देते हैं जासमीन, यहाँ पर नानो से 7,700 वोटों से कैप्टन अभिमन्यु पीछे चल रहे हैं, बड़ी हार होगी यहाँ पर बीजेपी की, जस्सी पेटवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कोई पुराना अनुभव उनके पास नहीं है, लेकिन जनता का साथ मिला और बार बार करके आखिरी वक्त में टिकट उनको दिया गया, कुमारी सहजा चाहती थी डॉक्टर अजय चौधरी को टिकट दिया जाए, लेकिन 7,700 वोटों से अभी आगे हैं जस्सी पेटवार, अनिल विज पीछे, ये आंकड़ा एक बार फिर से दिखा दीजिए, जो अंबाला कैंट का आंकड़ा एक बार दिखाइए, बहुत दिलचस्प है, अनिल विज जैसे कद के नेता अगर पीछे चल रहे हैं, और जहां तक जानकारी हमारी बहुत राउंड की अभी काउंटिंग बची नहीं, चित्रा सरवारा आगे हैं, युवा चेहरा है, कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, हालांकि पुराना रिश्ता रहा कई दशक की राजनीति कांग्रेस की, इनके पिता निर्मल चौधरी ने, और कृष्ण मिडा जीन से आगे चल रहे बीजेपी के, मांगेराम गुप्ता से आगे चल रहे कांग्रेस के उम्मीदवार मांगेराम गुप्ता, जिनके साथ उनका मुकाबला है, लेकिन ये तस्वीर याद रखिएगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा अगर चित्रा सरवारा यहां से जीत जाती हैं, आम आदमी पार्टी की राजनीति फिर कांग्रेस में वापसी। और दुष्यंत चौटाला को लेकर बड़ी खबर, दुष्यंत चौटाला जो सत्ता की चाबी लेकर बैठे थे 2019 में, अभी ताला गुम गया है, चाबी किसी काम की लग नहीं रही, पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह चौधरी, बीरेंद्र सिंह के बेटे, आगे चल रहे ग्राफिक्स कमेंट्री के साथ साथ चेंज करते रहिएगा, दुष्यंत चौटाला को लोग देखना चाहते हैं, नाराजगी भले हो लेकिन युवा चेहरा चौधरी देवीलाल का अस्तित्व तो नजर आया था, वो छवि नजर आई थी उनके अंदर, तभी 2018 में बनी पार्टी को हाथों हाथ लेते हुए 2019 के रण में 10 सीटें जिताकर सत्ता की चाबी सौंपती थी, लेकिन नाराजगी इस बात को लेकर कि जिस बीजेपी के खिलाफ आपको वोट देकर हमने विधानसभा भिजवाया, आप यमुना पार की बातें करते थे लेकिन आप तो उनकी गोद में जाकर बैठ गए, सत्ता की मलाई खाने लगे, किसान आंदोलन में आपने साथ नहीं दिया, स्टैंड नहीं लिया, ये खुद मानते हैं आप दुष्यंत चौटाला। अकरम खान आगे हैं, कंवर पाल गुर्जर आगे हैं, पूर्व मंत्री मनोहरलाल खट्टर के भी करीबी, नायब सिंह सैनी के भी करीबी, और यमुनानगर में बड़ा कद है, लेकिन पीछे चल रहे हैं अकरम खान, कुमारी सहजा के समर्थक हैं, टिकट दिलवाने में कामयाब रही, चुनाव प्रचार के लिए इतना जोर नहीं लगा पाई, लेकिन अकरम खान का अपना जनाधार है जगाधरी में। आगे चले महेंद्रगढ़, राव दान सिंह जो यहां पर आगे चल रहे हैं 582 वोटों से सिर्फ, कंवर सिंह काफी मजबूत हैं ऐसा लग नहीं रहा था, रामविलास की टिकट काटकर यहां पर टिकट दिया था, लेकिन फिलहाल पीछे है, लेकिन वो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, वो अंतर बहुत ज्यादा है नहीं। महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर रावदान सिंह लोकसभा चुनाव हार गए थे भिवानी महेंद्रगढ़ से, और यहां पर कंवर सिंह बहुत ज्यादा पीछे नहीं, यहां कुछ सीटें 20 सीटें ऐसी करीब करीब जहां पर ये ऊपर नीचे मामला होता रहेगा, तभी कहते कि रुझान है, जो आपको टैली हम दिखा रहे हैं रुझान है, परिणाम नहीं है। बिल्कुल सुदेश, और अभी तक जो रुझान सामने आया उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो नायब सिंह सैनी से लगातार हमारे जो नुमाइंदे हैं मुखातिब हो रहे थे, बात कर रहे थे, तो नायब सिंह सैनी ने एक तो बयान आपने उनका दोहराया था कि हमारे पास सरकार बनाने की सारी व्यवस्थाएं हैं, दूसरा बयान नायब सिंह सैनी का ये सामने आया था, आ गया पहला परिणाम आ गया न्यूज 18 पर, शीशपाल केहरवाल जीत गए कालावाली से, कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के खाते में गई है पहली जीत, यानी जीत के साथ कांग्रेस ने खाता खोला है, खाता तो खोल लिया है, लेकिन क्या बहुमत का आंकड़ा भी पा लिया जाएगा, क्या बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस के पास आएगा, चले शुभ मुहूर्त हो गया है, शिशपाल केहरवाला कालावाली से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए हैं पहली जीत, मुबारक हो कांग्रेस को, लेकिन अभी बहुत दूर है जादू या आंकड़ा, जो सत्ता का सपना 10 साल से बैठे देख रहे थे उस सपने को साकार होने में अभी 45 और ऐसी जीत चाहिए कांग्रेस को, शिशपाल केहरवाला जीत गए हैं, जीत के साथ खाता खुल गया जासमीन।
बिल्कुल सुदेश, और लेकिन फिर भी जो मैजिक नंबर है 46 वो बहुत दूर है, और वहां तक कांग्रेस पहुंच पाती है या नहीं ये बड़ा सवाल है। लेकिन कलावली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार शीशपाल कैरवाला जीत चुके हैं, और जैसा कि सुदेश ने कहा कि पहली जीत कांग्रेस को मुबारक हो। लेकिन सुदेश, हम जिक्र कर रहे थे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के लगातार जो बयान आ रहे थे सामने, कहीं ना कहीं बीजेपी और कॉन्फिडेंट होती हुई नजर आ रही है, कम से कम इन रुझानों में तो जो दिख रहा है। उसके मुताबिक उन्होंने ही कहा था, उन्हें कोट करना चाहूंगी, लगातार जो है वो यही जमे हुए थे और कह रहे थे कि नायब सैनी की जीत करा करके विधानसभा में जाएंगे। अब जीत करा के ही जाने वाले हैं? बिल्कुल, जीत तो हो गई है जी। तो लगातार हमने देखा कि आप कनाडा से आए और आने के बाद वो उपचुनाव पूरा संभाला, और उपचुनाव जैसे ही खत्म हुआ आपने लाडवा में मोर्चा संभाल लिया था। बिल्कुल एकदम, और पूरी टीम बड़े, आपने देखा पूरे काफले के अंदर टीम ने वो किया, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा था वो लोगों को पसंद आया और लोगों ने अपने करीब समझा। तो आपको पहले से ही पता था कि मुख्यमंत्री जी लाडवा से ही लड़ेंगे, क्योंकि करनाल से आते ही तुरंत आपने लाडवा में मोर्चा संभाल लिया था? नहीं, ये पार्टी का फैसला था और जब फैसला हुआ उसी दिन से मैंने मोर्चा संभाल लिया। तो अब क्या लगता है कि जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं उससे ये लगता है कि सरकार बनेगी? सरकार बनेगी नहीं, सरकार पिछले दो बार बीजेपी की सरकार आई है, उनका दोनों का रिकॉर्ड तोड़ जो रिकॉर्ड बनाने जा रही है, और 50 प्लस सीट्स लेके बीजेपी सत्ता में आ रही है। लेकिन कांग्रेस तो अभी भी उत्साहित है कि ये ट्रेंड जो आ रहे हैं ये चेंज होंगे और कांग्रेस सरकार बनाएगी। क्या फर्क पड़ता है, उत्साहित तो दो दिन से भी पहले भी थे, वो ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के सामने है, लोग प्यार करते हैं, और हर एक आदमी, आज आम आदमी हरियाणा का दिल के करीब मुख्यमंत्री जी को मानता है, और मुख्यमंत्री जी का सेलिब्रेशन कनाडा में बहुत चल रहा, अभी रात है वहाँ, रात के 2 बज गए लेकिन वहाँ पे सेलिब्रेशन खूब चल रहा है, और कनाडा ही नहीं पूरे दूसरे और भी कंट्रियों में सेलिब्रेशन चल रहा है। इतना प्यार जिस मुख्यमंत्री को करे वो हार नहीं सकता। इस जीत के पीछे क्या कारण मानते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जिस तरह से काम किए हैं या 9.5 साल में जो काम हुए हैं उनको मानते हैं? उनका स्वभाव, उनका काम, 56 दिन के अंदर 126 घोषणाएं और आम आदमी के लिए दरवाजे खोलना और उनको प्यार करना, और उनकी जो कार्यशैली थी वो हरियाणा प्रदेश ने उनको पसंद किया, और इसीलिए उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? 200% अभी कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, किंतु परंतु नहीं है, औपचारिकता है और वो बनने जा रहे हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं गुलाब सैनी हमारे साथ हैं, मैंने बताया कि नायब सैनी के मित्र हैं, और अब उन कह रहे हैं कि कोई किंतु परंतु नहीं है, तीसरी बार जो सरकार बनने जा रही है, वो पहला बार जो 2014 में मैंडेट आया था उससे भी ज्यादा मैंडेट से सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित दुदानी, न्यूज 18 कुरुक्षेत्र। बिल्कुल सुदेश, अगर ये वाकई में सच है और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और ये वाकई नतीजों में अगर तब्दील हो जाते हैं तो हरियाणा में तो ये इतिहास रचा जाएगा अपने आप। बिल्कुल इतिहास रचा जाएगा, रुझान अगर परिणाम में तब्दील हो गए तो इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, 50 अर्धशतक रुझानों में लगा लिया है। एक जीत अभी तक तय हुई है कालावाली सीट पर शिशपाल केहरवाला की, वो कांग्रेस के खाते में गई है। कैथल से आदित्य सुरजेवाला 10,500 वोटों से आगे चल रहे हैं लीलाराम गुर्जर से, जो सिटिंग एमएलए हैं, कड़ा मुकाबला इन दोनों के बीच में। और जासमीन, ये तो साफ हो गया है कि मुकाबला जो था इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही था, हालांकि जो दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे थे वो दावे हमें जमीन पर नजर नहीं आ रहे, ईवीएम में नजर नहीं आ रहे, गणित में नजर नहीं आ रहे, वो गणित बहुत पीछे छूट गया है। जिस गणित के सहारे सीएम चेहरे को लड़ाई शुरू हो गई थी कांग्रेस में। बिल्कुल सुदेश, और जिस तरह के समीकरण हरियाणा में इससे पहले बने चुनावों के प्रचार के दौरान जो समीकरण हमने बनते हुए देखे, और उसके बाद टिकट वितरण के बाद हमने जो समीकरण देखे, कितने सारे बागी भाजपा के ऐसे मैदान में थे जिन्हें साधना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती आ रही है। आफताब अहमद जीत गए नू से, वो तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे। आफताब अहमद, अपना कद है उनका, अपना जनाधार है उनका, और बेदाग छवि रहती है। आफताब अहमद जीत गए हैं, 2 परिणाम आए हैं अभी तक 90 विधानसभा सीटों में से, उनमें से दोनों परिणाम कांग्रेस की तरफ, यानी कांग्रेस के ही 2 उम्मीदवार जीते हैं। दूसरी जीत नू से आफताब अहमद की, और आपको बता दें कि इससे पहले कालावाली से शिशपाल केरवाल भी कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए हैं।
दो सीटों का परिणाम तय हो गया है, कालावाली और लू, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। बिल्कुल सुदेश, मेवात का ये वो इलाका, ये वो जिला जहां कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हमेशा से ही चुनौती रहती थी। संजय सिंह को उन्होंने यहां आफताब अहमद के खिलाफ उतारा था मैदान में, लेकिन संजय सिंह कुछ खास कमाल कर नहीं पाए और सिटिंग एमएलए आफताब अहमद एक बार फिर से बाजी मार गए हैं। आप देखिए हांसी, राहुल मक्कड़ कमाल कर रहे हैं वहां पर। हांसी विधानसभा सीट जहां विनोद भैणा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, करीब 25,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस ने चुन चुन कर अपने उम्मीदवार उतारे थे और यहां जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, अभी तो कांग्रेस के फेवर में रुझान भले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिला रहे हैं, लेकिन जो चुनाव परिणाम अभी आए हैं उनमें से दो सीटों पर परिणाम आ चुका है, कालावाली और दूसरा हम बता रहे थे नू, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं शिषपाल केहरवाला। और साथ में आपको बता रहे थे हम नू से आफताब अहमद, ये वो चेहरा पुराना दिग्गज नेता है। बीजेपी ऑफिस से पंकज कबाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या हाल चले हैं? सुबह तो वहां पर बहुत ज्यादा हलचलें थी नहीं, अब बताइए क्या तस्वीर है वहां की, क्या हलचले हैं वहां पर, क्योंकि रुझानों में तो बीजेपी सरकार बना रही है। देखिए जिस तरह से रुझानों में बीजेपी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि जल्द लड्डुओं के ऑर्डर भी देंगे और तीसरी बार हम सरकार जो है वो प्रदेश में बनाने जा रहे हैं और नायब सैनी ही मुख्यमंत्री जो है वो होंगे। उनसे पूछा गया कि क्या अनिल विज पर दाव खेलेगी नए सीएम के तौर पर, तो उन्होंने कहा कि अनिल विज सीएम नहीं, सीएम तो नायब सैनी ही रहेंगे और तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। काफी ज्यादा विश्वास जो है, जो रुझान सामने आए हैं उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष में बढ़ा है। और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस समय अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप ईपी आपके पास नहीं, आप फोन से ही मेरे से सुन पाएंगे मेरी बातें। ये आपने कहा कि लड्डुओं का ऑर्डर अभी देंगे, ये मोहनलाल बड़ौली ने कहा, यानी बहुत ज्यादा आश्वस्त मीडिया के सामने तो थे, वैसे आश्वस्त नहीं थे रुझानों, जो रुझान बता रहे हैं। दूसरा, अनिल विज तो अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं, अपनी सीट पर बहुत पीछे अनिल विज तो इस देख में इस बार कई बड़े उलटफेर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अनिल विज ऐसे नेता हैं जब बीजेपी प्रदेश में कहीं नहीं थी तब से जीतते आए हैं और वो लगातार क्लेम करते हैं कि प्रदेश बीजेपी में सबसे सीनियर लीडर हैं और उनको सीएम बनाया जाना चाहिए था और अब भी उन्होंने सीएम की इच्छा जो है वो जाहिर की थी। हालांकि अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें अनिल विज पीछे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अंबाला कैंट के बिल्कुल साथ में शंभू बॉर्डर लगता है जो जिस तरफ किसान बैठे हुए हैं और अंबाला कैंट का जो व्यापारी है वो काफी ज्यादा बीजेपी से खफा था, अनिल विज से खफा था क्योंकि होम मिनिस्टर पहले रह चुके हैं। तो ऐसे में अनिल विज के पीछे रहने का बड़ा कारण शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान भी हैं क्योंकि व्यापारियों का एक बड़ा नुकसान हुआ था और व्यापारी काफी ज्यादा खफा जो है वो नजर आ रहा है। नाराज है, बिल्कुल एक और जीत है, एक और जीत आ गई है, कहां से जरा बताइए, कहां से ये जीत है? मोहम्मद इलियास है और जैसा जासमीन आप बता भी रहे थे कि नू वो इलाका है जहां की सभी विधानसभा सीटों पर या तो आईएनएलडी या तो फिर कांग्रेस, इन्हीं के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे, बीजेपी यहां पर खाता नहीं खोल पाई। इस बार संजय सिंह को जरूर टिकट दिया था लेकिन संजय सिंह को एडजस्ट किया गया था, एडजस्ट ऐसे कि उनकी अपनी टिकट काट दी गई थी, नाराज हुए थे। देखिए ये कांग्रेस के तरह तरह के रोने के तरीके हैं, ये कई फ्रीक्वेंसी में रोते हैं, ये फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है जी। तो भाई सुबह तो तुम ना हंस रहे थे, सुबह जो तुम कह रहे थे राहुल गांधी ने कमाल कर दिया, सुबह हुड्डा साहब कह रहे थे मैंने कमाल कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन बदल गया, अब जो सिरे थे इलेक्शन कमीशन वही अब है इलेक्शन कमीशन, पर रोने के तरीके हैं इनके। अरे अब भी कोई बताने वाली बात रह गई? अब तो सारा हरियाणा नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है, आप देख लो हर जगह पर। भाई अनिल विज जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कमेंट आया है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है, उस पे क्या जवाब देंगे? देखिए अब ये तो जो अहंकारी आदमी होते हैं ना वो नीचे मार खा रहा होता है तो भी कहता मैं तेरे को कल देखूंगा, तेरे को कल देखूंगा, मार खाता रहता है, मार खाता रहता है, ये तो ऐसी। अंबाला कैंट से पार्टी उम्मीदवार बीजेपी के अनिल विज उत्साहित हैं, आगे भी हो गए, चित्रा सरवारा के साथ ही मुकाबला आगे पीछे दोनों हो रहे हैं,
लेकिन उत्साहित है बहुत, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रहे कि कितने उत्साहित और कितने खुश नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी तंज कसा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या पूरी कांग्रेस सुबह से ढोल नगाड़े बजा रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, एक बड़ी अपडेट दे रहे। जब जिक्र हो रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, गढ़ी सांपला किलो से 40,000 वोटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। मंजू हुड्डा बीजेपी की उम्मीदवार चुनाव मैदान में उनके सामने उतारी गई, लेकिन 40,000 वोटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त आगे चल रहे हैं गढ़ी सांपला किलोई से। लेकिन कैप्टन थे, पार्टी को आगे लेके जाना था, अभी रुझान और परिणाम जिस तरीके से आ रहे हैं चिंताजनक है। बिल्कुल सुदेश, हालांकि तीन जगहों से जो परिणाम सामने निकल कर आए उसमें कांग्रेस की ही जीत हुई है। रुझान रणबीर गंगवा बरवाला से 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। राम निवास होड़ेला जो कांग्रेस के यहां से उम्मीदवार हैं, संजना सातरोड़ जो इनेलो बीएसपी की उम्मीदवार हैं, वो बहुत पीछे चले गए। पहले लग रहा था संजना सातरोड़ बहुत आगे हैं, लेकिन यहां गांव गांव मैटर करता है, पंचायतें मैटर करती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां बीजेपी के लिए राहत की बात है, अपनी सीट छोड़कर आए थे रणबीर गंगवा। नलवा में रणधीर पनिहार को टिकट दिया जो कुलदीप बिश्नोई के करीबी उनके दोस्त हैं, और रणबीर गंगवा को यहां भेजा गया बरवाला से। और जीत भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, आफताब अहमद दूसरे कांग्रेस के उम्मीदवार जीत चुके हैं। लेकिन रुझान आप टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि रुझानों में सरकार बन चुकी है बीजेपी की। उधर मोहम्मद इलियास जीते पुनहाना से, कांग्रेस का गढ़ आप कह सकते हैं दक्षिण हरियाणा में। अगर ये तीन सीटें हैं जिन पर कांग्रेस हमेशा सरकार आ चुकी है। जो लोगों ने मन बनाया था हरियाणा की जनता ने, तीसरी बार नायब सरकार बहुत अच्छे मार्जिन से 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़कर। आप तो आपकी बार वैसे ही कह रहे हैं जैसे हुड्डा सरकार कहते थे, वैसे नायब सरकार कहने लग गए, बीजेपी की सरकार नहीं। नहीं, हम तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो शुरू से कहते थे कि तीसरी बार नायब सरकार बड़े अच्छे मार्जिन से। क्योंकि क्या कहेंगे, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, नायब भाजपा सरकार हमेशा सच्चाई का जीत का साथ देती है। सच्चाई की जीत होती है, आप क्या कहेंगे? काम की सरकार, काम के बल पर जीतने वाली सरकार, बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार, और एक सीधे साधे व्यक्तित्व की सरकार। कुछ लोग आगे भी बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं, आज लड्डू खाए हैं जिसके? बिल्कुल लड्डू खाए हैं जी, बिल्कुल सबने बहुत लड्डू खाए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्साह पूरी तरह से कायम है, और ये मान चुके हैं कि सरकार आ चुकी है, आएगी नहीं आ चुकी है, तो लगातार इसीलिए जो लड्डू हैं वो यहां आ चुके हैं और बंटने शुरू हो चुके हैं। देखिए सुदेश, कितनी दिलचस्प बात यहाँ पर है। इससे पहले जब कांग्रेस मुख्यालय से तस्वीरें सामने आई थी तो वहां पर लड्डू बट रहे थे, वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, और कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि सरकार बन चुकी है जिस तरह से रुझान सामने आ रहे थे। लेकिन अब जो रुझान पलटे हैं उसके बाद जो तस्वीर बन रही है बीजेपी में, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी के घर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद है जी। और जनरल अशोक गहलोत पूरे सीएम राजस्थान, वो क्या कह रहे हैं आज पूरे प्रदेश के अंदर, प्रदेशवासी क्या सोचते हैं? अगर मान लो मैं अच्छी बात कहूँ, अभी तो उनकी गवर्नमेंट को 8 महीने हो गए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर 8 महीने बहुत होते हैं। वो चार अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर बना गया, 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे कि अगर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाते और हम आसपास कहीं हुए कोई दिक्कत परेशानी होती या फिर सीएम चेहरे को लेकर अगर कोई घमासान बचता है तो उन चीजों को बैलेंस किया जाए। और जिस तरीके से रुझान अगर यही परिणाम रहे तो फिर इसकी नौबत आएगी नहीं, आपको हम बताते हैं। अंकित, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मेरी टीम में बता दें, एक सवाल आपसे करना था, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि तो बता देते कि कहां कहां पर किस तरीके से अभी रुझान या परिणाम आ रहे हैं। हमने नू की बात की, पुनहाना की, कालावाली की बात की, वहां पर कांग्रेस ने अपना झंडा गाड़ा है, हाथ बहुत मजबूत है, तीनों सीटें जीत चुकी है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी का जीत का खाता भी खुलना बाकी है। रुझानों में भले ही सरकार बना ली लेकिन इंतजार है खाता खुलने का जीत के साथ। बरवाला की बात कर रहे थे हम, बरवाला विधानसभा में रणबीर गंगवा वहां से 20,000 से भी ज्यादा की लीड ले रहे हैं। रामनिवास घोड़ेला कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके साथ मुकाबला था लेकिन बहुत नाराजगी। प्रदीप चौधरी, श्रुति चौधरी तो शाम से आगे चल रही हैं, वो इस बार कांग्रेस की नहीं बीजेपी की उम्मीदवार हैं। उनकी मां ने पार्टी बदली और राज्यसभा में पहुंच गई, बेटी को तो शाम अपनी सीट थी, पारंपरिक सीट है बंसीलाल परिवार की, सुरेंद्र सिंह हो या फिर किरण चौधरी, और अब श्रुति चौधरी आगे चल रही है, अनिरुद्ध चौधरी के साथ उनका मुकाबला। बिल्कुल, तो साथ ही ग्राफिक्स में आपको नजर आ रहा है और हरियाणा में 3 जगहों के परिणाम सामने आ चुके हैं और तीनों में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। रुझानों में भले ही आपको बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही होगी लेकिन अगर विनिंग सिचुएशन में देखें तो 3 जगहों के परिणाम सामने आ चुके हैं जिसमें कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। जासमिन चलते हैं, हमारे सहयोगी जावेद वो जुड़ गए हैं, अनिल विज उनके साथ हैं। अगर जावेद आप मुझे सुन पा रहे हो, बहुत उत्साहित है सुबह ही, आप बहुत खुश हैं,
अनिल विज, लेकिन अपनी सीट पर ही कहीं आगे पीछे हो रहा है चित्रा सरवारा के साथ उनका मुकाबला, लेकिन रुझानों में पूछिए, रुझानों में तो सरकार बना दी। देखिए बिल्कुल हरियाणा में बीजेपी के लिए जो नतीजे आ रहे हैं वो बेहद उत्साहजनक हैं। अनिल विज हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अनिल जी, नतीजों को लेकर पहला रिएक्शन है। देखिए मैंने तो जिस दिन चुनाव घोषित हुए थे जो उस दिन कहा था वही मिड कैंपेन में कहा, वही मैंने कहा कि जब ये एग्जिट पोल के नतीजे आए, और वही मैंने कहा आज जब सवेरे रुझान आए, जब कांग्रेस वाले नाच रहे थे, और मैंने तुरंत उसी वक्त कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाएगी। मेरे सारे बयान निकाल के चेक कर लो, एक ही तरह मैं हुड्डे की तरह सवेरे कुछ शाम को कुछ बयान नहीं देता, मेरा एक ही। लेकिन सर आपकी सीट जो अंबाला कैंट है उसमें आप सुबह से पीछे चल रहे हैं, हालांकि मार्जिन कम है, अभी मौजूदा टाइम में 545 वोटों से आप पीछे चल रहे हैं, आपको कहीं शंका तो नहीं है कहीं फंस जाएगा चुनाव, लगातार आप पीछे चल रहे हैं? देखिए ऐसा है, इस वक्त मैं 2600 वोटों से आगे हूँ। अच्छा, ठीक है, ताजा जानकारी है। हाँ जी, मेरे पास सारी ताजा जानकारी अच्छा रहती है, और अब ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। जो डेंजर जोन थी वो निकल गई, और डेंजर जोन में जितना मैं पहले हारता था उससे कम हारा हूँ, अब आगे सारा ठीक है। आपके बयान चुनावों में बहुत चर्चा में रहे, आपने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश की, परसों कहा कि मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात होगी, तो क्या हम भावी मुख्यमंत्री के दावेदार से बात कर रहे हैं? देखिए जो मैं कह रहा हूँ दिखाना वही, कि अगर हाई कमांड चाहेगी तो मेरा इनकार नहीं है, जैसा कि प्रचारित किया गया चुनाव के दौरान कि अनिल विज तो बनने नहीं। अनिल विज को साफ कर दीजिए, कुछ देर पहले न्यूज एजेंसी के कैमरे पे आकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा है, जावेद मोहनलाल बड़ोली ने कहा है कि हमने तो सीएम चेहरा अनाउंस कर रखा है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। मोहनलाल हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, अनिल विज मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये बात क्लियर कर दी गई है, अब तो इस बात को आपकी तरफ से खत्म कर दिया। देखिए मैं तो कह ही रहा हूँ, किसी को भी बनाए आला कमान, हम तो उसी को सलूट मारेंगे, बाकी हमें तो जहाँ खड़ा कर देंगे वहीं से चौके छक्के मारेंगे। तो आप मानते हैं कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे? नहीं नहीं, जिसको भी बनाए, जो हाई कमांड जो चाहे वो करे। चलिए ये जो से आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आप गीत के जरिए अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक गीत और सुना दीजिए बस। कौन सा सुनाऊं बताओ? आप जो सुबह से कई सुनाए थे उनमें से कोई एक सुना दीजिए। जिंदगी का साथ निभाता चला, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। सर एक आखिरी सवाल, कांग्रेस कह रही जयराम रमेश की देरी से आंकड़े अपडेट किए जा रहे चुनाव आयोग की साइट पर, इसको लेकर वो शिकायत करेंगे, क्या कहेंगे आप? अच्छा, इनको धीरे धीरे मौत आ रही है, इनकी आदत है रोना हर चुनाव में, जहां ये हारते हैं ये इनका स्टाइल है, और रोने के लिए भी इनके नेता तय हैं, जो रोने वाले हैं उन्हीं को बुलाते हैं, फिर जाओ भाई अब रोना शुरू कर दो, और ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी से रोते हैं, और अब धीरे 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 पहले इलेक्शन कमीशन को, अरे भाई सवेरे तुम बंगले डाल रहे थे, जलेबियां बांट रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन सवेरे था वही अब है, इलेक्शन कमीशन बदल गया क्या? लेकिन आप ये बात क्यों कह रहे हो, सवेरे क्यों नहीं गई? आपके इस बयान पर विवाद हो सकता है, आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे मौत आ रही है, आपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए? नहीं नहीं, मौत से सबको पता है कि पॉलिटिकल मौत, ऐसे नहीं वैसे जिंदा रहे, नहीं तो लड़ेंगे किसके साथ? देखिए अनिल विज जो कि अपने अंदाज में खुशी मना रहे हैं, गीत सुना रहे हैं, बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं, और जीत अब नतीजों में धीरे धीरे बदलेगी, क्योंकि रुझानों में काफी आगे पीछे पा रही है।
कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला अनिल विज ने बोला है। बिल्कुल सुदेश, ये अनिल विज ही कर सकते हैं, और जब से ये चुनाव मतदान करने पहुंचे थे तभी से ये इतने म्यूजिकल फॉर्म में है और कई बार इस तरह से गानों के जरिए और अपने बयानों के जरिए सुर्खियों में आते हैं। लेकिन अभी अनिल विज की अंबाला कैंट से ही जो अपडेट सामने निकल कर आया, अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। चित्रा सरवारा हालांकि कांटे की टक्कर दे रही है, निर्दलीय उम्मीदवार है, लेकिन अनिल विज जिस तरह से आश्वस्त नजर आ रहे थे ये उसकी तस्वीर है। पूरी फॉर्म में है अनिल विज, अपनी बेबाकी के लिए जाने चाहते हैं, बयान बहादुर भी आप इनको कह सकते हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन रुकते नहीं, जो कहना होता है कह देते हैं, नाराजगी है वो बता देते हैं, जता देते हैं गाकर गुनगुनाकर शेरो शायरी के जरिए। और एक बार फिर लंबे अरसे बाद गब्बर अपने स्टाइल में दहाड़ते हुए नजर आए, और ये तस्वीर है जिसका जिक्र अनिल विज भी कर रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की तस्वीर थी जहां पर ढोल नगाड़े सुबह ही बजा दिए, इंतजार ही नहीं किया। अब उसी को लेकर विरोधी उन पर तंज कस रहे हैं कि भाई थोड़ा इंतजार कर लेते, सुबह तो आप ढोल नगाड़े बजा रहे थे, आप मिठाइयां बांट रहे थे, मुंह मीठा करवा रहे थे और कह रहे थे कि हम मनोहर बड़ोली के पास, मुख्यमंत्री के पास मिठाई भिजवाएंगे, लेकिन अब दाम उल्टा पड़ गया तो आप चुनाव आयोग के सर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। बिल्कुल सुदेश, लेकिन यही बात कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी लागू होती है, रुझानों में बीजेपी आगे दिख रही है लेकिन जो परिणाम आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में, अभी जो तीन परिणाम सामने निकल कर आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में निकल कर आए हैं। इस बीच अगर जम्मू कश्मीर के रुझानों की भी बात कर ली जाए, कुछ परिणाम जम्मू कश्मीर से भी सामने आए हैं, और अगर परिणामों में देखें तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी 8 सीटों पर अभी जीत दर्ज कर चुकी है। ये 8 सीटें जम्मू डिवीजन की हैं, जम्मू संभाग की ये 8 सीटें हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की अगर बात करें तो 8 सीटें इन्होंने जीती हैं। अनंतनाग सीट से पीरजादा मोहम्मद सईद जीत चुके हैं, अनंतनाग दक्षिण कश्मीर की वो महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला पीडीपी के लिए एक बहुत बड़े झटके के समान है, और अनंतनाग क्योंकि पीडीपी का गढ़ सुदेश माना जाता था और पीडीपी 2014 में बेहतर प्रदर्शन इस पूरे रीजन में बीजेपी ने किया था। बसोली की अगर बात करें तो दर्शन कुमार, बसोली जम्मू डिवीजन की सीट है और यहां से दर्शन कुमार ने जीत दर्ज की है। बीजेपी ने, जैसे कि मैंने कहा कि जो 8 सीटें बीजेपी ने दर्ज की है वो जम्मू संभाग की है, और ये सेंट्रल शालटेन जहां से तारिक हामिद कर रहा है, ये तस्वीर थोड़ी सी गलत है, मैं कहूंगी मेरी टीम से इसे करेक्ट कर ले। AICC प्रमुख है तारिक हामिद कर्रा, कांग्रेस के उम्मीदवार है और हाल ही में चुनावों से ठीक पहले उन्हें यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्हीं के कहीं ना कहीं कंधों पर ये चुनाव लड़ा गया। अगर कश्मीर घाटी की खासतौर पर बात करें तो सेंट्रल शालटेन टूटा बीजेपी का, जहां से उम्मीद थी कि यहां से खाता खोलेंगे वहां पर भी नाकामी हाथ लगी, लेकिन कांग्रेस के लिए कम से कम घाटी से, जम्मू कश्मीर से तो ठंडी हवाएं आई है, यहां पर तो सियासी पारा बहुत हाई है हरियाणा में तो, और मायूसी खेमे में उम्मीद कांग्रेस को नहीं नजर आ रही अभी। हालांकि चुनाव आयोग को लेकर सुदेश, हब्बा कदल सेंट्रल कश्मीर के एक महत्वपूर्ण सीट है, हब्बा कदल, वहां से अगर बात कर लें तो शमीम फिरदौस यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार जीती है और ये उम्मीद भी की जा रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से कश्मीर घाटी में मजबूत स्थिति में है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी में ही नहीं बल्कि अगर जम्मू संभाग में भी अगर बात कर ली जाए तो जम्मू संभाग में भी जो सीटें खासतौर पर जीती गई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दम पर ही कांग्रेस ने जीती है। इस तरह की राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं क्योंकि कांग्रेस के मुद्दों को लेकर, कांग्रेस की जो प्रचार प्रसार रहा उसको लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दम पर ही सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने अगर जीत दर्ज की है तो इन्हीं कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के दम पर ही किए। हजरत बल से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सलमान सागर यहां से जीत दर्ज करते हैं, बात करें एक और जीत एनसी के खाते में गई है, और बड़ी पार्टी है एनसी जम्मू कश्मीर में और गठबंधन कांग्रेस के साथ किया तो दोनों पार्टियां मजबूती के साथ जीतते हुए आगे बढ़ रही है बहुमत का आंकड़ा। और बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, बड़ा उलटफेर, हवाओं की बातें हो रही थी, मुद्दे गिनाए जा रहे थे, लेकिन अब जो रुझान कह रहे हैं देखिए हवा नजर नहीं आ रही। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात एक बार लाल चौक की कर लेते हैं, कश्मीर के राजधानी श्रीनगर का ये लाल चौक, शेख हसन अहमद यहां से जीत चुके हैं, इंजीनियर एजाज की बात की जा रही थी, DDC मेंबर थे। और बात करेंगे जासमिन हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जम्मू कश्मीर में तस्वीर करीब करीब साफ हो गई है और रुझानों में तो हरियाणा में भी कोई शंका है नहीं, संशय के बादल छंट चुके हैं। कांग्रेस को जरूर लग रहा है कि दिल टूट गया यहां पर, बहुत बड़े बहुमत की बातें की जा रही थी, दावे किए जा रहे थे, 49 सीटें कमल खिलता हुआ रुझानों में नजर आ रहा है। तो कांग्रेस 3 सीटें कांग्रेस हालांकि जीत चुकी है, 33+3 अगर यही परिणाम हो तो 36 सीटें,
77 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र सिंह महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह है कंवर सिंह के साथ उनका मुकाबला। कंवर सिंह यादव रामविलास शर्मा का टिकट काटकर उनको टिकट दिया गया था लेकिन रावदान सिंह सिटिंग एमएलए है। ज्ञानचंद गुप्ता भी आगे चल रहे हैं पंचकुला विधानसभा सीट से मुकाबला चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ है। 2500 वोटों से आगे चल रहे ज्ञानचंद गुप्ता। अभी चुनाव परिणाम आने बाकी हैं लेकिन रुझान हम आपको हर सीट का सिलसिलेवार तरीके से देंगे। 90 विधानसभा सीटों में से 3 का परिणाम आया है लेकिन तीनों सीटों पर हाथ मजबूत यानी कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। पुनहाना कालावाली और नू 3 सीटों का परिणाम अभी तक आया है और जेजेपी जिसके पास 2019 में सत्ता की चाबी थी अभी जो शून्य आपको उनके सामने नजर आ रहा है ताला गुम हो गया चाबी लेकर बैठे रह गए दुष्यंत चौटाला। देर आए दुरुस्त आए वाले बात भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत देर कर दी खुद मान रहे थे कई दफा तो न्यूज 18 के कैमरे पर आकर कहा कि अगर किसान आंदोलन के वक्त में मैं किसानों के हक में खड़ा हो जाता गठबंधन तोड़ देता तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती क्योंकि 10 सीटें जीतकर सत्ता की चाबी उनके पास थी और बीजेपी के साथ सरकार बनाई 4.5 साल तक अच्छे तरीके से गठबंधन के तहत सरकार चलाई भी लेकिन बीजेपी ने 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झटका दे दिया जननायक जनता पार्टी को दुष्यंत चौटाला को और उसके बाद लोकसभा चुनाव आए लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी भगदड़ मची। परिणाम आपके सामने है अभी रुझान है और मुझे लगता है रुझान ही परिणाम होंगे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी नहीं। 3 विधायक बचे थे 10 में से एक अमरजीत ढांडा जो जुराना से इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं बारड़ा से उनकी मां नैना चौटाला दुष्यंत चौटाला उचा से लेकिन दुष्यंत चौटाला खुद अपनी सीट नहीं बचा पा रहे बहुत पीछे है ब्रजेंद्र सिंह से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हिसार से पूर्व लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह जो उचाना पारंपरिक सीट है उनकी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और दुष्यंत चौटाला के सामने अब अस्तित्व की लड़ाई या यूं कहें कि पूरे चौटाला परिवार के सामने अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। जहां अभय चौटाला अपनी सीट से इलाहाबाद से पीछे चल रहे हैं वही रंजीत चौटाला रानिया से पीछे चल रहे हैं आदित्य देवीलाल चौटाला डबवाली से पीछे चल रहे हैं दिग्विजय चौटाला भी पीछे चल रहे हैं डबवाली सीट से चल रहे हैं। अभी 4-5 राउंड मुश्किल से हैं और सारा मीडिया ऐसे उछलने लगा है ऐसा कुछ नहीं है और बीजेपी को भी मैं कहूंगी कि अभी थोड़ा संयम सबको रखना चाहिए। राजनीति में हम सभी लोग हैं हम सभी प्लेयर्स हैं पार्टियां हैं और सब संयम रखें। नतीजे आते हैं उसी की रिस्पेक्ट होती है नतीजे आ रहे हैं कुछ घंटे और लगेंगे स्लो ज़रूर चल रहा है समझ नहीं आ रहा इतना स्लो क्यों है टाइम भी हमारा लोकसभा में तो इतना स्लो नहीं था पर अभी स्लो चल रहा है। मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनेगी। बहुत क्लोज है जो ग्राउंड से रिपोर्ट है मतलब 300, 400, 500 इतना ही चल रहा है। खासकर आपकी मैं मगर एरियाज के देखें तो वहाँ पर यू नो प्राइमरी फेस कांग्रेस काफी अच्छा कर रही है। दोनों हमारे जो मेरी पुरानी पार्लियामेंट्री है और वर्तमान में पार्लियामेंट्री है और उसके अलावा भी जो लगता एरिया है वहाँ पर कांग्रेस मजबूत दिख रही है बिल्कुल और हम अच्छी सीटें जिता कर देंगे। तो अभी भी मैम चेहरे पर बातों में वो खुशी झलक नहीं रही है नीरज भी है और अपूर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवाज से नीरज हमारे साथ जुड़ेंगे उनके पास जाएंगे। अदर्श की टैली आपको बता दें 3 अदर्श हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रही है और वहीं अगर बात करें गन्नौर से देवेंद्र कादियान बहादुरगढ़ सीट से राजेश जून आगे उन पर आगे बात करें नीरज तस्वीरें दिखाते रहिए माहौल दिखाते बताते रहिए कि क्या चल रहा है वहां पर सन्नाटा है क्या। रुझान तो कह रहे कि कांग्रेस जो बातें कर रही थी वो सिर्फ हवाई बातें थी हवा तो नजर नहीं आ रही। देखिए राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहेगी लेकिन निराशा तो जरूर है कार्यकर्ताओं में लेकिन इस वक्त हम लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ एक ढाबे में आ गए हैं जो कि रोहतक में ही है और उनका काफिला आपको दिख रहा होगा अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं और वो एक बैठक कह सकते हैं कि यहाँ आए हैं और अपने लोगों से बात कर रहे हैं। कोई वैसी पार्टी की कोई मीटिंग नहीं चल रही है लेकिन लगातार उनकी रुझान पर नजर है और एक तरह से कांग्रेस के नेताओं ने भी अब मान लिया है भले ही ईवीएम या ECI की वेबसाइट पे जयराम रमेश की तरफ से सवाल उठाया गया है
लेकिन कांग्रेस के नेता भी अब रियलाइज करने लगे हैं कि जो कुछ कहा जा रहा था एग्जिट पोल में या जो नीरज आप कहना चाहेंगे, बीजेपी ने भी जीत का खाता खोल लिया। खरखोदा से खुशखबरी आ रही है, खरखोदा से खुशखबरी आ रही बीजेपी के लिए। अभी तक 3 उम्मीदवार कांग्रेस के जीते थे, लेकिन खरखोदा से खाता बीजेपी का जीत के साथ खुल गया है, जिसको लेकर हम इंतजार कर रहे थे कि आखिर क्यों रुझानों में बीजेपी आगे नजर आ रही है, क्यों अभी तक चुनाव परिणाम नहीं आए बीजेपी के हक में। तो चलिए, खाता खुल गया है। ग्राफिक्स के जरिए हम पवन खरखोदा यहां से जीत गए बीजेपी के उम्मीदवार, तो कम से कम खाता खुला है। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको दिखाएं चेहरे के साथ किस चेहरे मोरे पर दांव खेला था, और बीजेपी की तरफ से खरखोदा विधानसभा सीट से पवन खरखोदा चुनाव जीत गए। 4 विधानसभा सीटें जिसका चुनाव परिणाम आ गया है, 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। तो एक पवन खरखोदा युवा चेहरा, इन पर भरोसा जताया था लेकिन बाजी मार गए हैं, निराश नहीं किया पार्टी को। पवन खरखोदा चुनाव जीत गए जासमें। बिल्कुल सुदेश, और अपने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर थे और आरोप लगा रहे थे कि खरखोदा को किस तरह से पिछड़ा ही रहने दिया गया कांग्रेस द्वारा, और कोई विकास यहां तक नहीं पहुंचा, विकास की बयार यहां तक नहीं पहुंची। और बीजेपी ने जब पवन खरखोदा को उम्मीदवार यहां से उतारा, तो उन्होंने खरखोदा के विकास और अपने गांव के विकास की वहां पर बात कही, तो शायद वो चीज इनके फेवर में चली गई और बीजेपी अभी तक रुझानों के दम पर ही। खुशखबरी है लेकिन कांग्रेस के लिए, ये मामन खान जीत गए हैं। वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हुई थी, मामन खान के बयान भी सुर्खियों में रहे थे, विवाद हुआ था जिस तरह से बयान दिया था, लेकिन अब वहां से कांग्रेस के लिए मामन खान खुद के लिए बहुत बड़ी राहत, जीत गए हैं मामन खान। नो हिंसा का आरोप लगा था, जेल गए थे, लेकिन वहां की जनता ने मामन खान का साथ दिया। उनके सामने संजय सिंह थे, खेल मंत्री बनाए गए थे नायब सरकार में, और उनकी टिकट काटी थी, टिकट काटी तो वह सोना से वो चले गए यहां पर, लेकिन यहां मामन खान के साथ मुकाबला था। मामन खान अपनी सीट जीत चुके हैं, पीछे पुनहाना की ये जीत आपको दिखा रहे हैं, ये भी कांग्रेस के उम्मीदवार पुनहाना से मोहम्मद इलियास, पुराने नेता हैं, कांग्रेस का वर्चस्व तो रहा है नू के 3 सीटों पर। दक्षिण हरियाणा में भले ही राव इंद्रजीत सिंह के साथ ही चीजें बदलती हैं, 4 दशक की राजनीति कांग्रेस ने की थी, और फिरोजपुर झिरका मामन खान जीत दर्ज कर चुके हैं। नू हिंसा का आरोप लगा था, ऑडियो वायरल हुई थी, और इस बार भी चुनावी जनसभा में कहा था कि सरकार आ रही है, मेवात छोड़कर जाना होगा, हमारे घरों में चूल्हा नहीं जला था, और देख लिया जाएगा जिन लोगों ने नू को हिंसा की आग में धकेला था। बिल्कुल सुदेश, इन 3 सीटों की अगर बात की जाए, दक्षिण हरियाणा के नू, फिरोजपुर झिरका और पुनहाना, यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत पहले से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त चल रही थी। आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जिस तरह से अपने सिटिंग एमएलए को कांग्रेस ने यहाँ पर उतारा था, बीजेपी के संजय सिंह का भी आपने जिक्र किया, हालांकि संजय सिंह बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला नहीं माने जा रहे थे कांग्रेस उम्मीदवार के लिए, और शायद संजय सिंह खुद इस बात को जानते थे, इसीलिए चुनाव प्रचार में भी उस तरह से नजर नहीं आए। एक और बड़ी खबर आ गई, तो शाह विधानसभा सीट से श्रुति चौधरी 8600 वोटों से अनिरुद्ध चौधरी से आगे चल रही हैं। यहाँ वर्चस्व बचाने की बात भी थी, यहाँ ये भी साबित करने की बात भी थी कि बंसीलाल की विरासत का असली हकदार कौन है, असली विरासत किसके पास होनी चाहिए, कौन असली यहाँ पर विरासत संभाल सकता है, चौधरी अनिरुद्ध चौधरी या फिर श्रुति चौधरी। और इस बार बता दें कि बीजेपी की उम्मीदवार हैं श्रुति चौधरी, क्योंकि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया बेटी को लोकसभा चुनाव में, तो उसके बाद किरण चौधरी नाराज थी और भीतर घात हुआ था। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर राव इंद्रजीत सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब तो शाम से बीजेपी की टिकट पर श्रुति चौधरी आगे चल रही 8600 वोटों से। अनिल चौधरी चचेरे भाई हैं, वो पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी एक ऐसा मुकाबला था जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी सुदेश, और किरण चौधरी जब राज्यसभा की सदस्य चुनी गई, राज्यसभा की जब सांसद चुनी गई, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं आश्वस्त थी और बीजेपी को लेकर, बीजेपी की जीत को लेकर काफी आश्वस्त थी और लगातार जीत के दावे कर रही थी। आगे उनके बेटे की उम्मीदवारी में नजर आ रहा है, 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं अनिल विज। बिल्कुल, तो अंबाला कैंट से विनोद भाना जीत गए, ये बड़ा हैरान, थोड़ी देर पहले बहुत पीछे चल रहे थे मकर से कांग्रेस के उम्मीदवार से, विनोद भाना जीत दर्ज कर चुके हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं हांसी विधानसभा चुनाव से। एक और खुशखबरी बीजेपी के लिए, हम जैसा रुझानों में बात कर रहे थे जासमीन कि रुझानों में तो सरकार बन रही है बीजेपी की, लेकिन अभी जीत वाला खाता कैसे खुलेगा, जीत के खाते के साथ अब आगे बढ़ने लगा ये गणित, ये चुनावी गणित। विनोद भ्याणा मजबूत तो थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से युवा चेहरे को उतारा गया था, यहां से राहुल मकर को चुनाव मैदान में उतारा गया था, लेकिन हांसी फतेह कर ली है।
हांसी का किला फतेह कर लिया है एक बार फिर से विनोद भ्याणा ने, बीजेपी के उम्मीदवार। बिल्कुल सुदेश, और अब इन रुझानों से थोड़ा सा आगे चले और हार जीत की अगर बात कर लें तो दो उम्मीदवार बीजेपी के बीच जीत दर्ज कर चुके हैं और रुझानों में तो बीजेपी बहुत आगे चल रही है, लेकिन अगर हार जीत की बात करें तो कांग्रेस काफी आगे नजर आ रही है और 8 राउंड की मतगणना हो चुकी है। आपको बता दें इससे जो स्थानीय लोग होते हैं अंदाजा लगा पाते हैं कि कोई उम्मीदवार अगर आगे है या पीछे है तो उनका उम्मीदवार यहां पर किस स्थिति में है। एलाहाबाद से अभय सिंह चौटाला एनएलओ के लिए बसपा के लिए अच्छी खबर नहीं है, करीब 10,000 वोटों से एलाहाबाद से अभय सिंह चौटाला पीछे चल रहे हैं और हमारे सहयोगी वहां पर गए हुए थे हमें, तो उन्होंने जब बातचीत की उनके समर्थकों से कहा कि ऐसा पिछली बार भी हुआ था, उपचुनाव में भी हुआ था, कुछ गांव ऐसे होते जो पूरा पासा पलट देते हैं। ये बात है भी कहीं ना कहीं सही कि कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां बाजी पूरी तरह से पलटी जा सकती है, तो अभी तो फिलहाल ये अपडेट है दर्शकों के लिए भी और जो समर्थक है इनेलो के बसपा के कि अभय सिंह चौटाला इनेलो का चेहरा वो अभी इलाहाबाद विधानसभा सीट से जो पारंपरिक सीट है इलाहाबाद अभय सिंह चौटाला की 10,000 से पीछे चल रहे हैं। यमुनानगर से आपको अपडेट देते हैं, बीजेपी यहां से आगे चल रही 8,000 वोटों से, घनश्याम अरोड़ा यहां से आगे चल रहे हैं। यमुनानगर में पहले वो बहुत पीछे चल रहे थे लेकिन अब खबर आ रही है कि घनश्याम अरोड़ा बाजी मारते हुए आगे निकल रहे हैं यमुनानगर से, तो यहां देखना होगा। चर्चे तो बहुत हुए थे, आदर्श पाल के भी हुए थे, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के भी हुए थे, लेकिन और एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, कृष्णलाल पवार हैं वो 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कृष्णलाल पवार एक बार फिर सांसद बीजेपी के, जिनको टिकट दिया बीजेपी ने, बड़ा चेहरा। स्मालखा से अपडेट आपको देंगे, मनमोहन बड़ाना बीजेपी के 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ाना पर उम्मीद जताई बीजेपी ने, उम्मीदों पर खरा उतरते हुए रुझानों में तो नजर आ रहे हैं। अगर यही रुझान परिणाम रहे तो बार बार हम आपको कह रहे कि जो रुझानों का आंकड़ा है यही परिणामों का आंकड़ा होगा। 40 का रणबीर गंगवार जीत गए हैं बरवाड़ा विधानसभा सीट से, नलवा से इस बार बरवाड़ा विधानसभा सीट पर आए थे और चुनाव जीत गए हैं रामनिवास घोड़ेरा को हराकर, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, सीपीएस भी रह चुके हैं, लेकिन बरवाड़ा से बीजेपी रणबीर गंगवार चुनाव जीत गए हैं। बहुत कोशिश की थी दीपेंद्र हुड्डा ने, यह भी कहा था कि रामनिवास घोड़ेला को जिता दे, हम पद देंगे, इलाके का विकास होगा। संजना सातरोड़ ने जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ा उससे लग रहा कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है उसका और बीजेपी को फायदा हुआ है। जैसा कालका से भी अपडेट आपको देंगे, प्रदीप चौधरी शक्ति रानी शर्मा वहां से चुनाव मैदान में है, 11,000 वोटों से शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही है। प्रदीप चौधरी के खिलाफ विकास को लेकर स्थानीय मतदाताओं में नाराजगी थी, सत्ता में नहीं थे, नाराजगी यहां पर जायज भी थी, लेकिन अब शक्ति रानी शर्मा क्योंकि अभी बीजेपी में शामिल हुई थी और शामिल होते ही टिकट मिल गई और अब जीत की तरफ। महेंद्रगढ़ की सीट देखिए, हम बार बार सुबह से रुझान बता रहे हैं, महेंद्रगढ़ में कभी राजदान सिंह आगे होते हैं तो कंवर सिंह कभी, लेकिन यहां पर अभी जो अपडेट है कंवर सिंह पीछे चल रहे महेंद्रगढ़ सीट से, रावदान सिंह एक बार फिर से इसी सीट पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। रावदान सिंह आगे चले, बहुत ज्यादा फासला तो है नहीं, लेकिन आपको यही बता दें कि रामविलास शर्मा जैसे कद्दावर चेहरे का टिकट काटकर कंवर सिंह यादव को टिकट दिया है, बहुत उम्मीदें हैं पार्टी को कि कुछ करिश्मा करके दिखाएंगे। एक वट वृक्ष जैसे राजनेता के लिए टिकट काटना, कट जाना और उसकी वायु से उसके बाद पार्टी कार्यकर्ता को जोड़े रखना बीजेपी के लिए भी, रणनीतिकारों के लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अब यहां से महेंद्रगढ़ से राहत कांग्रेस के लिए है। बरोड़ा से बीजेपी उम्मीदवार हरविंदर कल्याण जीत की तरफ बढ़ते हुए, हम कल ही दिखा रहे थे कि किस तरीके से चुटकुले सुन रहे, पूछा एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे, कहते हमें कोई डर नहीं है, वही होगा जो जनता तय कर चुकी है, होगा वही कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। तो हरविंदर कल्याण क्या वाकई में भविष्य जानते थे, आज जिस तरीके से रुझान आ रहे अपनी सीट भी बचाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। गुला से आपको बताएंगे क्या विधानसभा का इस वक्त का रुझान कह रहा है, गुला विधानसभा सीट कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से 18,000 करीब 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर हम कैथल विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर मुकाबला देवेंद्र यहां से आगे चल रहे हैं गुला से, देवेंद्र हंस है, पूरी ताकत लगाई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद गए थे, जो बागे थे उनको मनाया था, अब गुला विधानसभा से ये खबर कांग्रेस के लिए हाथ मजबूत करने वाली, देवेंद्र हंस आगे चल रहे हैं लेकिन लीड बहुत ज्यादा नहीं, अब देखना होगा लीड को क्या आगे रिजल्ट तक कायम रख पाते हैं।
देवेंद्र हंस गुला विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार अभी आगे चल रहे हैं रुझानों में और हर विधानसभा क्षेत्र की अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। भवानीखेड़ा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आंकड़ा जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3,500 वोटों से भवानीखेड़ा से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। परिणाम भी आपको दिखा, रुझान भी आप टैली देखते रहिएगा और हमें सुनते रहेगा। 47 सीटों पर बीजेपी की लीड है, 3 जीत चुकी है। वही कांग्रेस 31 पर लीड में है, 4 जीत चुकी है। जेजेपी का खाता मुझे नहीं लगता खुलेगा जासमिन, जो बार बार हम बात भी कर रहे हैं, तो शून्य वहां पर सुबह से ही शून्य ही है। आईएनएलडी 2 सीटों पर, आईएनएलडी प्लस बीएसपी 2 सीटों पर, लेकिन इलाहाबाद में बहुत पीछे है अभय सिंह चौटाला। आम आदमी पार्टी 0, उम्मीद भी नहीं थी। आदर्श में 3 सीटें, जहां से कुरुक्षेत्र विधानसभा सीट को लेकर 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस अभी रुझानों में आगे आ रही है। कुरुक्षेत्र में ही आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी है और लाडवा से ही विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनके सामने मेवा सिंह है, लेकिन एकमात्र सीट लाडवा ही है अभी रुझानों में बीजेपी के लिए, जहां से लीड पर है उनके उम्मीदवार नायब सिंह सैनी। बाकी सीटों पर, बाकी जो 3 विधानसभा सीटें हैं उन पर कांग्रेस के उम्मीदवार रुझानों में आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और जेजेपी का जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं सुदेश, लगातार अब नहीं लगता कि जेजेपी किसी तरह से कोई प्रदर्शन यहां पर कर पाएगी। 0 पर सिमटती हुई जेजेपी पूरी तरह से नजर आ रही है। इलाहाबाद का आपने जिक्र किया था, 10,000 मतों से कहीं ना कहीं जिस तरह से अभय चौटाला पीछे चल रहे हैं, इलाहाबाद एकमात्र ऐसी सीट थी जहां इनेलो कम से कम अपने आप को मजबूत मान रही थी, और सीटें आए ना आए, लेकिन इलाहाबाद की एक सीट ऐसी थी जहां कहीं ना कहीं इनेलो मानकर चल रही थी कि ये सीट तो हम निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 10,000 की लीड से जो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इलाहाबाद में इस पर मुकाबला काफी टेढ़ा साबित हुआ। नुकसान अगर हम देखें तो वो ये रहा कि हलोपा के साथ अभय सिंह चौटाला चले गए थे, हलोपा के साथ चले गए, उधर से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को ले लिया। अगले ही दिन गोपाल कांडा ने बयान दे दिया कि बीजेपी के साथ जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ऐसे में नाराजगी किसानों की, खास तौर पर जाट समुदाय की और किसान तबके की, जो नाराज है बीजेपी से, तो उसका नुकसान हो सकता है अभय सिंह चौटाला को इस गठजोड़ के साथ, इस समर्थन की वजह से। होडल से कांग्रेस के उम्मीदवार है उदय भान, वो आगे चल रहे हैं, और हरमिंदर यहां से बीजेपी के उम्मीदवार, लेकिन अभी उदय भान काफी आगे हैं इस सीट पर। दिनेश फोगाट भी आ गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये माहौल बनाया गया पूरे चुनाव में, जासमीन जुलाना सीट पर सबसे बड़ी जीत होगी, नारनौंद में सबसे बड़ी जीत होगी, गढ़ी सांपला में सबसे बड़ी जीत होगी, वैसा अभी मार्जिन हमें नजर नहीं आ रहा। आगे जरूर है, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं, 4,500 से आगे है। और ये तस्वीर दिखा रहे अनिल विज है, सुबह से ही बहुत गहमा गहमी है इस खेमे में भी। सुबह हमने जरूर देखा कि अभी इंतजार में थे बीजेपी के नेता, बीजेपी कार्यकर्ता, उधर उसके उलट हो रहा था कांग्रेस खेमे में, वो ढोल नगाड़े बजाने लग गए जब सिर्फ बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई थी। ईवीएम खुलने का भी ज्यादा देर इंतजार नहीं किया, और उलट गई है तस्वीर। सुदेश, मैं इसी चीज का जिक्र कर रही थी कि सुबह जो तस्वीर थी वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की थी, और इस तरह की गहमा गहमी और मिठाइयों का बटना और जलेबियों की बातें वहां हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे ये रुझान आ रहे हैं, रुझान कहीं ना कहीं नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, उसके बाद ये तस्वीर भी पूरी तरह से उल्टी नजर आ रही है। अनिल विज तो फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, सुदेश गाने गा रहे हैं, और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर देखिए किस तरह से जोश में लबरेज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जोश तो है, और खुद भी अपनी सीट पर अभी लीड कर रहे हैं, लेकिन अभी ये परिणाम नहीं है। यहाँ देखना होगा चित्रा सरवारा कब तक कितना मुकाबला उनका कर सकती हैं। अभी तो ढोल नगाड़े बजने लगे, ये कार्यकर्ता इससे भी ज्यादा उत्साहित है क्योंकि दावा ठोका है अनिल विज ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। भले ही मोहनलाल बरौली आज भी साफ करो कि देखिए हमने तो नायब सिंह सैनी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा है, और पहले साफ कर चुके कि कौन राय विधानसभा सीट पर भी बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये ढोल नगाड़ों के बीच में अनिल विज को आप देख सकते हैं, ये इनका बिल्कुल पेट जगह है, ये यहाँ से हिलते नहीं है। जब भी देखेंगे सुबह की चाय यहीं पर इनकी होती है, आंधी आए तूफान आए गर्मी हो सर्दी हो, चाय यहीं पीने आते हैं। और यहीं पर देखिए उनके समर्थक ऐसे झंडा पार्टी का हाथ में लेके झूम रहे, नाच रहे, गा रहे हैं। मुझे लगता है जासमीन, अगर कांग्रेस थोड़ा इंतजार करती
तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल सुदेश, आपने कहा भी था शुरू में कि ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, बहुत जल्दी है इस तरह से लड्डुओं का बटना और जलेबियों के थैले जो लहराए जा रहे थे कांग्रेस मुख्यालय में, ये थोड़ा सा जल्दी था। लेकिन सुदेश, बड़ी बात यह है कि हरियाणा में अगर आज वाकई दादरी से अपडेट आ गया है, सुनील सांगवान सतपाल सांगवान के बेटे नौकरी सरकारी नौकरी छोड़कर आए हैं, उनको टिकट दिया था पार्टी ने, वो 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो दादरी से भी बीजेपी के लिए राहत की खबर है। सतपाल सांगवान कहां-कहां की राजनीति नहीं कर पाए, हरियाणा विकास पार्टी से लेकर फिर भजनलाल के साथ कांग्रेस पार्टी, उसके बाद हुड्डा सरकार में भी जेजेपी में भी चले गए, और जेजेपी के बाद अब बीजेपी में, खुद तो चुनाव नहीं लड़े लेकिन अब अपने बेटे को टिकट दिला सरकारी नौकरी छोड़कर आए हैं। पानीपत ग्रामीण से भी बीजेपी आगे चल रही, महिपाल ढाणा सुबह से लगातार लीड बनाए हुए 27,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, और जो 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 एक माइंडसेट था लोगों का या फिर वो डायरेक्टिव सेट किया गया कांग्रेस की तरफ से कि धराशायी हो जाएगी बीजेपी, दूर दूर तक वो दावे नजर नहीं आ रहे। महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से बीजेपी के उम्मीदवार, वो अभी आगे चल रहे हैं, लंबी लीड है। बांगड़ा से मनमोहन बड़ारा भी आगे चल रहे हैं 17,000 वोटों से, बीजेपी ने बड़ा दांव खेला उन पर भी। महिपाल ढांडा नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री पद भी पा लिया था, क्योंकि बीजेपी को यह लगता था कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की जो नाराजगी है, उनको लेकर जो नाराजगी है उसको कम करने के लिए और जाट समुदाय को साधने के लिए महिपाल ढांडा से ज्यादा उचित चेहरा कोई होगा नहीं। ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अनिल विज के समर्थन में लोग जश्न मना रहे हैं। रतिया से जगराज सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो अभी लीड कर रहे हैं, वोटों का फासला भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन देखिए, थोड़ा इंतजार जरूरी होता है, सब्र का फल मीठा होता है। ये तस्वीरें देखकर तो यही लग रहा है कि थोड़ा सा सब्र कर लिया जाना चाहिए था। जो अब बीजेपी तंज कस रही कि इतनी भी क्या जल्दबाजी थी, थोड़ा इंतजार करते, हम तो कह ही रहे थे कि हम पूर्ण बहुमत के साथ इतिहास लिखते हुए जीत की हैट्रिक लगाएंगे। ये अनिल विज के घर के नहीं, कार्यालय के नहीं, एक मार्केट है, अमूमन वो वहीं बैठते हैं अपने यार दोस्तों के साथ, सालों से उनका याराना, यहीं आकर चाय पीते और वहीं पर उनके समर्थक नाचते गाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, पार्टी के झंडे उठाए हुए। जहां जहां जल्दबाजी कांग्रेस ने की जश्न मनाने में, योगदान अनिल विज का भी हो सकता है जो अभी फिलहाल रुझानों में आगे चल रहे इस झंडे को बुलंद करने में। आपको लिए चलते हैं कैथल विधानसभा सीट पर, जहां से मेरे सहयोगी उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश, सुबह बहुत यहां पर तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन दोपहर का वक्त तो हो ही गया है, और रुझान कह रहे कि कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है, और साफ स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में तीसरी बार वापसी कर रही है। क्या माहौल है, क्या यहाँ पर आदित्य सुरजेवाला या फिर रणदीप सुरजेवाला हैं, तो बताइए क्या अपडेट है। जी देखिए, आदित्य सुरजेवाला यहाँ से अभी फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं, और यहाँ पर मैं पहले तस्वीरें दिखा दूं आपको कि जो कांग्रेसी समर्थक हैं, सुरजेवाला घर हम इस समय मौजूद हैं, रणदीप सुरजेवाला आदित्य सुरजेवाला का जो घर है किसान भवन
कैथल में वहां पर मौजूद है और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं लगातार नजर रखे हुए हैं कैथल सीट पर और बाकी हरियाणा की सीटों पर भी। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी ने वापसी की है और जो लगातार रुझान में बीजेपी जो है वो आगे चल रही है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा जरूर है, लेकिन कैथल सीट की बात करें तो आदित्य सुरजेवाला यहां से फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं क्योंकि पिछले चुनाव में रणदीप सुरजेवाला महज 1243 वोट के अंतर से हार गए थे, लेकिन इस बार उनके बेटे मैदान में हैं और यहां पर जो कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं सुरजेवाला निवास में किसान भवन में सुबह से जब से काउंटिंग शुरू हुई है तब से सुरजेवाला जो निवास है यहां पर कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो जोश में है क्योंकि आदित्य यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं और इनसे पूछेंगे भी क्या कितनी बढ़त है अभी आपकी 9421 से आगे है आदित्य सुरजेवाला जी 12 राउंड पूरे हो चुके हैं। तो पूरी देखिए नजर हमने हमें पता है कितनी बढ़त है लेकिन इनसे भी पूरी हमने पूछना था एक एक राउंड के बाद गिनती इनकी यहां पर लगातार है कागज पेन लेकर बैठे हुए हैं तो तैयारी आप देख सकते हैं यहां पर सुबह से ही सुरजेवाला भवन में इस तरह कांग्रेस के समर्थकों का जमावड़ा है और अंदर भी आपको लेके चलेंगे जहां पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए हर एक तरफ आपको कांग्रेस सपोर्टर्स का सुरजेवाला निवास में जमावड़ा दिखेगा। ये बाहर की तस्वीर दिखाई अब आपको अंदर हॉल की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। देखिए जमकट यहां पर आपको नजर आएगा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का। हम पूरे हरियाणा का हाल तो देख ही रहे हैं साथ साथ ही सीट को लेकर भी देखिए क्योंकि पहली बार रणदीप सुरजेवाला के जो बेटे हैं वो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्योंकि बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है कैथल की सीट नीलाराम गुर्जर और आदित्य सुरजेवाला के बीच यहां पर मुकाबला है जहां पर अभी फिलहाल आगे हैं लेकिन पूरे अभी राउंड नहीं हुए हैं कुछ राउंड बाकी हैं। जोश है वो देखते ही बनता है यहां पर जो देखते ही बनता है यहां पर जोश और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सुरजेवाला हाउस में सुरजेवाला हाउस की तस्वीरें हैं ये। बेशक बीजेपी ने यहां पर जो आंकड़ों को पलटा है लेकिन सुरजेवाला हाउस की बात करें तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे रणदीप सुरजेवाला उनके घर की तस्वीरें जहां पर वो सोनिया गांधी के साथ बैठे हैं शमशेर सुरजेवाला की तस्वीरें और रणदीप सुरजेवाला की फोटो है और समर्थकों की भी तमाम यहां पर आपको जोश दिखाएंगे जो नजर आ रहा है। फिलहाल आगे है लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है लेकिन उमेश कांग्रेस की हालत पर एक बार जरा पूछिए जो कांग्रेस रुझानों में पीछे जा रही है और बीजेपी रुझानों में सरकार बना रही है क्या यहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला आदित्य सुरजेवाला के समर्थकों को ऐसे चुनाव परिणाम की उम्मीद थी? जी बिल्कुल वो भी हम बात करेंगे जिस हिसाब से यहां पर एक बात करेंगे कि क्या था क्या उम्मीद थी। भाई साहब अभी जो रुझान है उसमें तो बीजेपी आगे चल रही है। नहीं जी अभी तो वेट करेंगे अभी राउंड बाकी है। नहीं राउंड है लेकिन एक रुझान है क्योंकि देखिए एक बज गया है कैथल में तो जीत है जी कैथल में अभी आगे हैं वो बिल्कुल लेकिन ओवरऑल रुझान जिस तरीके से सुबह से बाजी पलटी क्या लग रहा है कि उम्मीद थी? नहीं देखो अभी राउंड बाकी है उम्मीद तो मैं अभी पूरी है सरकार बनेगी कांग्रेस की। क्या कहना है आपका कह रहे अभी भी उम्मीद बाकी है? उम्मीद है जी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी लेकिन जो रुझान कुछ और बता रहे हैं रुझान तो बहुत कुछ पलटी मारेंगे अभी एक दो घंटे में पूरे पलटी मारेंगे तो अभी भी कांग्रेस ही कार्यकर्ताओं को उम्मीद है क्योंकि जिस तरीके से देखिए रुझान जब आए और जब कांग्रेस की सीट आ गई तब भी जोश था लेकिन अभी उम्मीद है कांग्रेस ही कार्यकर्ताओं को के बाजी पलटेगी लेकिन जो रुझान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं और 1 बजे का समय है और आने वाले एक दो घंटे में स्थिति और साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा विधानसभा 2024 का ये मुकाबला बहुत ही रोचक बिल्कुल बिल्कुल बहुत 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 अच्छी चीजें आ रही है। एक बड़ी अपडेट बता देते हैं उमेश बड़ी अपडेट है बादली विधानसभा सीट से ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी के बड़े चेहरे पूर्व मंत्री भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी वो 11,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कुलदीप वत्स कांग्रेस के उम्मीदवार 11,000 वोटों से लीड कर रहे हैं बादली विधानसभा सीट पर। कुलदीप वत्स एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का और यहां पर टिकट काटने की चर्चाएं भी चली थी कि कुलदीप वत्स की जगह यहां से बजरंग पूनिया को चुनाव मैदान में उतारा जाए लेकिन अच्छा किया कांग्रेस ने अभी जो हालात है रुझानों में बादली सीट के ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के बड़े चेहरे चुनाव प्रचार किया पूरे प्रदेश में लेकिन अपनी सीट पर ज्यादा और इस बार भी 2019 क्या दोहराएंगे अभी तो बहुत पीछे चल रहे हैं बड़े कद्दावर नेता हैं उसके बावजूद 11,000 वोटों से कुलदीप वत्स से पीछे चल रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़।
तो प्रकाश धनखड़ के पीछे चलने के पीछे क्या संदेश हो सकता है? लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बीजेपी जो एग्जिट पोल के बाद या सुबह जो हमने रुझान देखा था उस पर अब जो नतीजे आ रहे हैं वो बिल्कुल बीजेपी ने जबरदस्त छलांग लगाई है। 49 सीटों पर आगे चल रही है, 3 सीटें जीत चुकी है बीजेपी, जबकि कांग्रेस काफी पिछड़ गई है। 31 पर लीड है और 5 पर जीत है, यानी कि जो इंतजार था वो अब इस तरह से पूरा हो रहा है कि बीजेपी के कांग्रेस के खुशी आ गई है। देखिए कांग्रेस मंदीप चड्ढा जीत गए हैं और हरमंदर सिंह चड्ढा के बेटे हैं मंदीप चड्ढा, कांग्रेस से टिकट दिया तो जीत भी दर्ज की है। यहां से बड़ी अपडेट आ रही है आपको और सोनीपत की टिकट को लेकर भी अपडेट आपको देंगे कि वहां पर किस तरीके से अभी चुनाव में रुझान बता रहे हैं। एक और जीत कांग्रेस के खाते में गई है वंचित चड्ढा कोहवा से, यहां से डीडी शर्मा से मुकाबला उनका, बीजेपी के उम्मीदवार डीडी शर्मा, एकमात्र सीट जहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को टिकट दी, उम्मीदवार ने टिकट वापस कर दी और फिर डीडी शर्मा भगवान डीडी शर्मा को टिकट दी और यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप चड्ढा जीत चुके हैं। एक और जीत, तो जीत के आंकड़े को अगर देखेंगे तो पीछे रहते हुए भी कांग्रेस के उम्मीदवार जीत में पहले नजर आ रहे हैं। बीजेपी की जीत अभी टोटल 3 हुई है जबकि कांग्रेस ने 5 सीटें जीती है, लेकिन जो रुझान है वो लगातार बीजेपी को सत्ता से करीब करते जा रहे हैं और बिल्कुल ये मेजोरिटी फिगर तक पहुंच रही है ऐसा लग रहा है। सुदेश, जजर से बड़ी अपडेट आ रही है जहां से गीता भुक्कल पूर्व शिक्षा मंत्री कांग्रेस की बड़ी नेता है, दलित चेहरा भी है कांग्रेस का, वो काफी पीछे अभी नजर आ रही है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन पेच यहां पर फंसा हुआ है गीता भुक्कल के लिए 147 सिर्फ 147। और वहीं उन 20 सीटों की हम बात कर रहे थे ना कि जहां 20 सीटें हैं पार्टी कभी भी किधर भी कैसे भी पलट सकती है, उनमें से ये क्या एक सीट थी इतना अनुमान तो नहीं था, लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि यहां गीता भुक्कल के लिए राय इतनी आसान नहीं है। बहादुरगढ़ से निर्दलीय सुबह से राजेश जून लीड बनाए हुए हैं 17,000, क्या ये लीड तोड़ पाएंगे बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार? राजेश जून को पार्टी से बाहर भी किया गया, मनाने की कोशिश हुई थी लेकिन यहां पर नहीं मना पाए। राजेंद्र जून यहां से दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार लेकिन बहुत आगे निकल गए हैं, तो क्या यह चुनाव परिणाम भी होगा? जिन निर्दलियों को हम लगातार दिखा रहे कि लीड में है उनमें से एक बहादुरगढ़ सीट है, तो एक हिसाब से जहां से लीड पीछे नहीं आ रही है इन 2 सीटों पर तो लगातार निर्दलीय बढ़त बनाए हुए। तीसरी सीट है गन्नौर, गन्नौर से लगातार देवेंद्र कादियान जो बीजेपी के बागी हैं वो एक लंबी लीड के साथ आगे चले, बड़ी लीड के साथ। बिल्कुल, ओवरऑल आंकड़ा देखिए 90 के 90 सीटों का जो अभी तक का जो रुझान है वो यही है कि बीजेपी 49 सीटों पर लीड कर रही है जबकि कांग्रेस पिछड़ते हुए 36 पर लीड है। 2 सीटें कांग्रेस को यहां पर हमने दिखाया कि किस तरह से जो जीत को अगर आप फिलहाल पीछे रखें तो 36 सीटों पर ही सिर्फ कांग्रेस बढ़ पाई है जबकि सुबह का जो आंकड़ा जिस तरह से उछाल आया था उसमें काफी फर्क है। सुदेश, इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया, क्या बड़ी वजह है? और सोनीपत से निखिल मदान कभी भी जीत दर्ज कर सकते हैं, बहुत बड़ी लीड के साथ आगे बढ़े। मनोहरलाल भदौड़ी खुशी की मिठाई खाते हुए, मनोहरलाल देखिए किस तरह से इस वक्त खुशियां और विक्ट्री साइन, ये है बीजेपी के खेमे की अब की खुशी जो सुबह थोड़ी कहीं कम नजर आ रही थी शायद जिस तरह से जब रुझान आ रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के खेमे में खुशियां ही खुशियां हैं। आज जो हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, मैं हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी देखरेख में और जिस प्रकार से 4 बड़ी जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित करके गए और जिस प्रकार का आशीर्वाद हरियाणा की जनता से जो मिला है, मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने अनेक जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित किया, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है और जनता से आशीर्वाद लेने का काम किया है, बीजेपी की मैनेजमेंट काम आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व। और ज्ञानचंद गुप्ता को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, पहले निखिल मदान का बता देते कि सोनीपत में काफी आगे निकल गए हैं, जीत कभी भी हो सकती है, सिर्फ घोषणा औपचारिक घोषणा होना बाकी है। पंचकुला विधानसभा सीट से आगे है ज्ञानचंद गुप्ता लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, 966 सिर्फ 966 वोटों से चंद्रमोहन बिश्नोई से आगे हैं।
एक राउंड की काउंटिंग चल रहती है बाकी अभी, यानी कांटे का मुकाबला, कड़ा मुकाबला पंचकुला विधानसभा सीट पर ज्ञानचंद गुप्ता बहुत कम मार्जिन से आगे चल रहे हैं, चंद्रमोहन बिश्नोई के साथ मुकाबला है। क्या ये बढ़त बनाए रखेंगे ज्ञानचंद गुप्ता जब तक जीत तय नहीं हो जाती, ये एक बड़ा सवाल है। तो कह सकते हैं पंचकुला विधानसभा सीट जहां कड़ा मुकाबला ज्ञानचंद गुप्ता कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रमोहन बिश्नोई के बीच में नजर आ रहा है। तो एक राउंड से कितनी उम्मीदें कर सकते हैं सदेश? एक राउंड बचा है, आपने बताया एक राउंड बचा है, एक राउंड के बाद कितनी बात की, जो आंकड़ा है 900 कुछ सीटों से, ये निर्भर करता है कि उस बूथ में जहां का भी जहां के भी मतगणना रहती वहां पर कौन सा उम्मीदवार ज्यादा हावी, जिसका जनाधार ज्यादा है, और ये उनके कार्यकर्ता खुद उम्मीदवार समझ चुके होते हैं कि देखिए एक राउंड की अभी काउंटिंग रहती है और यहां की काउंटिंग रहती है तो हम हार रहे हैं जीत रहे हैं, वो सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं औपचारिक ऐलान का, वरना वो गणित समझते हैं। लेकिन यहां जब इतना फंसवा मुकाबला हो, इतना पेचीदा जब मामला हो जाए तो धड़कने तेज होती हैं और लास्ट वोट काउंट होने तक इंतजार करते हैं उम्मीदवार कि औपचारिक ऐलान हो जाए तभी हम तसल्ली करेंगे, क्योंकि बाजी कभी पलट जाती है जब इतनी नैक टू नैक फाइट होती, कांटे का मुकाबला होता है। बिल्कुल, तो कांटे का मुकाबला है, एक राउंड है, एक राउंड के बाद क्या ये बीजेपी के खाते में ये सीट जाएगी या कांग्रेस के खाते में, काफी देखना है होगा। लेकिन एक ही राउंड में है और ज्यादा का मार्जिन नहीं है, 966 जैसा आपने बताया 966 का सिर्फ अंतर था, और उसके बाद ये आखिरी राउंड में ये अंतर क्या कम होगा या बीजेपी की सीट ये जीत होगी या फिर कांग्रेस की, ये देखना अहम होगा। जी, टोहाना से बड़ी अपडेट आ रही है जहां से परवीर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र बबली पीछे चल रहे हैं। पिछली बार जेजेपी की टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे और जेजेपी के खाते से कोटे से उनको मंत्री पद भी दिया गया था, लेकिन लास्ट वक्त में पार्टी भी छोड़ दी और फिर कांग्रेस की तरफ जाने लगे, और कांग्रेस में नहीं गए तो बीजेपी में गए और टिकट मिल गया, लेकिन अभी पीछे चल रहे हैं। रतिया से आपको अपडेट देने की, रतिया में क्या हाल इस वक्त, जरनैल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे 15,000 वोटों से, सुनीता दुग्गल यहां पर बड़ा दांव खेला था लेकिन नाराजगी भारी पड़ती नजर आ रही है, भीतर घात का डर था, क्या सही साबित होगा वो डर। जरनैल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार रतिया से आगे चल रहे हैं और सुनीता दुग्गल क्योंकि जब टिकट मिली नहीं थी सिर्फ सुगबुगाहट थी तभी से नाराजगी, विरोध प्रदर्शन किया था वहां से बीजेपी के उम्मीदवारों की तरफ से, और जरनैल सिंह क्योंकि अब बहुत ज्यादा राउंड विशाल बचे नहीं है, ऐसे में अगर लीड 15,000 की 10,000 की 8,000 की है तो बहुत मुश्किल है विरोधी उम्मीदवार के लिए उस लीड को, उस बढ़त को कम कर पाना। सोनीपत से निखिल मैदान जीत गए, चलिए एक और जीत की रणभेरी सुनाई दे रही होगी आपको, ये निखिल मैदान है सोनीपत से बीजेपी के उम्मीदवार युवा चेहरा और यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं, एक और जीत की मुहर लग गई है बीजेपी के उम्मीदवार पर सोनीपत से। तो जो लीड है वो अब जीत में बदलती जा रही है, बीजेपी ने शुरुआती 2-3 घंटों के बाद से जो लीड में बढ़त ली थी वो तमाम लीड ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी के झोली में जा रही है जीत के शक्ल में। इस तरह से अब जो टैली है वो बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है जबकि कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है जिस तरह से रुझान लगातार बने हुए उससे बीजेपी भी बहुत आगे है और कांग्रेस अभी बहुत पीछे है। तो आप देखिए निखिल मैदान सोनीपत से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ये जीत चुके हैं, इस जीत के साथ बीजेपी की जीत की जो टैली है वो 4 तक पहुंच चुकी है और लीड 45 पर है, तो 45 और 4 सीधा अगर इसको फिलहाल इसको मान ले कि यही आंकड़ा रहेगा आगे आने तक तो इस हाफ जो मार्क है उससे काफी आगे बीजेपी इस बार अकेले अपने दम पर चुनाव में जीत हासिल करती नजर आ रही है सुदेश। और इस हिसाब से दूर दूर तक कांग्रेस मुकाबले में है नहीं, दूर दूर तक मुकाबले में कांग्रेस है नहीं और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी एक इतिहास रचने जा रही है, इतिहास रचेगी क्योंकि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से चुनावी राजनीति में ऐसा किया नहीं गया है कि जीत की हैट्रिक लगाए सत्ता पर काबिज हो, लगातार तीसरी बार बीजेपी वो करती हुई नजर आ रही है। अभी ये परिणाम तो नहीं है लेकिन रुझानों में तो बहुत आगे बीजेपी निकल गई है और लग रहा है कि गेम कांग्रेस के हाथ से निकल गया है। 36 का आंकड़ा रुझानों में कांग्रेस का, बीजेपी 49, अर्धशतक से सिर्फ एक सीट कम है, एक नंबर कम है, अदर्स 3 सीटें आपको बताएं लगातार, अदर्स में पहले 4 नंबर था, हलोपा के उम्मीदवार सिरसा से गोपाल कांडा भी आगे चल रहे थे कांग्रेस के उम्मीदवार से लेकिन फिलहाल वो पीछे है और कांग्रेस के उम्मीदवार वहां से आगे, लेकिन 3 सीटें गन्नौर बहादुरगढ़ और हिसार जहां सावित्री जिंदल हिसार से वो 3 निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और आपको हर सीट का सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे कि कहां पर रुझान परिणाम
आ रहे हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुदेश एक बात और यहाँ सच होती है, जैसा आपने कहा कि हिस्टोरिक जीत होगी अगर बीजेपी तीसरी बार लगातार सत्ता में आ जाती, जैसा कि रुझानों से पता चल रहा है। लेकिन एक बात और सच साबित हो रही है, जो कहा जाता है कि केंद्र में जिसकी सत्ता होती है हरियाणा में वही जीतती है, तो लगता है कि इस बार ये भी कहीं ना कहीं सच साबित हो जाएगा। और एक और बात सुदेश, राहुल गांधी की बात मुझे याद है, राहुल गांधी ने अपने रैली में कई बार कहा था कि मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी बनाम कांग्रेस का है, तो ये बात भी सच होती नजर आ रही है कि मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का। आप देखिए INLD सिर्फ 2 पर अभी बढ़त बनाए, जबकि जेजेपी का शून्य है, आपको शून्य है, आदर्श भी जो घटते जा रहे हैं, तो सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस से बीजेपी जो आगे निकल गई। बिल्कुल, कांग्रेस के अगर नेताओं की बात करें, उम्मीदवारों की बात करें, तो अभी तक जो रुझान अगर यही परिणाम हुआ तो सिर्फ एक ही बात उनकी सही साबित होती नजर आ रही है कि मुकाबला सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी बहुत आगे निकलती हुई, लेकिन ये नंबर बदल भी सकता है, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि ये नंबर बदल भी सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा उठापटक होगी नहीं। अब अंतिम दौर में जा चुकी है मतगणना, मतगणना का जो काम है अब आखिर की तरफ, अंतिम छोर की तरफ बढ़ता जा रहा है, और जो चुनाव परिणाम है अब धड़ाधड़ एक के बाद एक चुनाव परिणाम घोषित होंगे। जैसे हम लगातार आपको पल पल में अपडेट दे रहे थे कि यहां पर रुझानों में उस पार्टी का उम्मीदवार आगे है, दूसरे ही सेकंड में पता लगता है कि दूसरी सीट पर यह पार्टी का उम्मीदवार पीछे चल रहा है, तो अब ऐसे हार जीत को लेकर होगा, बहुत जल्द वो आंकड़ा भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर नजर आएगा। पर यहां एक बात तो तय है कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं था, लोग ये कयास लगा थे कि बीजेपी आखिर किस बात को लेकर इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, जबकि हवा तो कांग्रेस की है। जो जो इसके फैक्टर रहे होंगे विशाल, उन पर हम आगे बात करेंगे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे रही, साइलेंट वोटर ने बहुत काम किया, क्या क्या मुद्दे थे जो बीजेपी के फेवर में गए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे थे जो जनमानस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस उनको आधार बना रही थी और हथियार भी बना रही थी, उन मुद्दों का क्या हुआ, क्या जवान, किसान, पहलवान, बेरोजगारी, ये मुद्दे काम नहीं कर पाए, महंगाई, क्या कांग्रेस की साथ गारंटियां काम नहीं कर पाई, जो गारंटियां बार बार कांग्रेस की तरफ से दी जा रही थी, बताया जा रहा था कि आज देखिए नंबर वन हरियाणा फिर से बनाएंगे, और बीजेपी के ऊपर तमाम आरोप थे, सत्ता विरोधी लहर थी, यानी एंटी इनकम्बेंसी थी, वो फैक्टर कहां रहा, नायब सिंह सैनी के चेहरे से क्या इतना बड़ा फायदा हुआ, क्या कांग्रेस के लिए दलित चेहरा आगे ना करना ये एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को कर गया, ओबीसी चेहरे के दम पर, नायब सिंह सैनी के दम पर, क्या और साथ में डबल इंजन की सरकार की वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी राहत मिलती हुई इस चुनाव में नजर आ रही है। हालांकि अंतिम चरणों में सुदेश कांग्रेस से कहा जाता है, कांग्रेस ने एक बासठ खोला है जब अशोक तंवर को उन्होंने पार्टी में शामिल कराया था, और ऐसा लग रहा था कि अब जो है कहीं ना कहीं ये एक आखिरी कोशिश थी, और उस कोशिश के साथ ही शायद कांग्रेस का यहां पर सत्ता वापस आना शायद ये मुमकिन हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जो आंकड़े बता रहे हैं बीजेपी काफी आगे निकल रही है कांग्रेस से, और कांग्रेस काफी पीछे है। अब कुछ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपको लगातार दिखा रहे अंबाला शहर में कांग्रेस आगे चल रही है, जुलाना में भी कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन जो आंकड़े हैं ओवरऑल आंकड़े ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार सत्ता से दूरी पर ही इत्मीनान करना पड़ेगा। कांग्रेस तमाम कोशिशों के बावजूद 36 पर ही अभी तक लीड कर पाई है, जिसमें से 5 सीटें वो जीत चुकी है, 31 पर लीड है, 5 पर जीत हासिल हो चुकी है कांग्रेस को, जबकि बीजेपी 4 जीत के साथ अभी लगातार आगे बढ़ रही, 49 पर लीड है, जबकि हाफ मार्क अगर 90 के हाफ मार्क करें तो 45 और 46 सीटें भी बीजेपी को आ जाती है, तो आराम से सरकार बना लेगी। और ये जैसा सुदेश अभी कहा कि ये तीसरी बार बीजेपी वहां सत्ता में वापसी करेगी, और ये एक तारीखी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी कि लगातार तीसरी बार कोई दल जो है वो सत्ता में काबिज होता है। और लगातार बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि इन पोल्स की पोल तो 8 तारीख को खुलेगी, एग्जिट पोल कभी भी एग्जिट पोल नहीं होता, और ये सिर्फ हरियाणा विधानसभा चुनाव नहीं, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की बात नहीं है, ये हवाला भी बीजेपी दे रही थी बार बार कि मध्य प्रदेश को आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को आप देख लीजिए, राजस्थान को आप देख लीजिए, वहां पर क्या हुआ, वहां पर भी एग्जिट पोल में बीजेपी को कहीं नहीं दिखाया जा रहा था, और वही चीज दोहराई जाएगी यहां पर हरियाणा में भी। और कांग्रेस को लेकर बोला गया कि कांग्रेस ईवीएम का रोना रोएगी, आज हम देखे थे सुबह बहुत जल्दबाजी करती लड्डू बांटने में, ढोल नगाड़ों में, और उसके बाद जब हमने देखा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी काफी मायूस थे, निराश थे, हताश थे, बहुत मेहनत की है, अंबाला कैंट से अनिल विज पूर्व गृह मंत्री आगे चल रहे हैं, और पहले ये जो मार्जिन था लीड का वो कुछ था 500-600, चित्रा सरवारा के साथ ही मुकाबला है, वहां कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया चित्रा सरवारा को, अगर दिया होता तो ये तस्वीर बदल भी सकती थी, यहां पर चित्रा सरवारा का नाम लिखा होता और टिक लगा होता आगे आगे का अंबाला कैंट से, लेकिन चित्रा सरवारा की जगह परविंदर सिंह परी को यहां से टिकट दिया, परविंदर सिंह परी कोई कमाल कर नहीं पाए, असमंजस की स्थिति में कार्यकर्ता यहां पर रहा, और ये भी बात कही कि अनिल विज के लिए जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वो मुद्दा भारी पड़ सकता है, किसानों की नाराजगी उन्होंने देखा भी, किसान नाराज है, लेकिन उससे ज्यादा ये कहा गया कि शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से अंबाला के जो व्यापारी हैं उन कारोबारी हैं उनको काफी दुकानदार उनको काफी घाटा हुआ, तो उनकी नाराजगी भी थी, लेकिन अभी जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है अंबाला कैंट से वहां ये नाराजगियां
कहीं नजर नहीं है। नाराजगी हो भी की तो कम से कम इतने बड़े कद के नेता है उनके सामने ये सब मायने नहीं रख रहा, लोगों का समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अलग अलग कई बार ये आगे भी हुए, कभी पीछे भी हुए, फिलहाल ये अनिल विज जो आगे चल रहा है और अनिल विज अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आज भी सुबह से उन्होंने कई बार गुनगुनाकर भी सुनाया है, ये भी बताया है कि किस तरह से वो चाहते हैं कि जो हमारा विपक्ष है, जो राजनीतिक विरोधी है, वो जिंदा भी रहे, चूंकि लड़ना उसी से है। तो ये काफी रोचक बयानबाजी उनकी होती रहती है और लोग उनको पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं कि अनिल विज क्या कह रहे हैं। अभी देखिए अनिल विज के बारे में आपको बता दें फिर से एक बार कि अभी आगे चल रहे हैं अनिल विज अंबाला कैंट से, वही दूसरी तरफ अंबाला शहर जो सीट है वहां से कांग्रेस के जो उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं। जब और देखिए अर्धशतक लग चुका है भारतीय जनता पार्टी का, अर्धशतक लग चुका है वो ऐसे कि 4 सीटों पर तो जीत दर्ज कर चुकी है, 40 सीटों पर रुझानों में आगे है, तो वहीं 30 सीटों में कांग्रेस रुझानों में आगे है और 5 कांग्रेस जीत चुकी है। तो जीत के मायने में अभी तक जो जीत फाइनल हुई है उसमें कांग्रेस बीजेपी से आगे है, लेकिन रुझान कह रहे कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, ये जीत की हैट्रिक बीजेपी लगाएगी। रुझानों ने पूरी तरह से जो पहले आकलन लगाए जा रहे थे, आकलन किया जा रहा था, उनको दरकिनार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी खेमे में जो सुबह सुबह हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, बहुत ज्यादा जीत की तैयारियां, जश्न की तैयारियां नहीं की गई हैं, तो वहां पर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। और हमने सुबह सुबह देखा 9:30 बजे के आसपास कांग्रेस के खेमे से खुशियों की खबरें आने लगी, खुशियां मनाई जा रही है, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। तो वहां अभी थोड़ा मायूसी पसरी हुई है, मायूस है, शांति है, अब थोड़ा इंतजार किया जा रहा है सिर्फ, या यूं कहें कि अब हार मान भी चुके हैं। तो बहुत तस्वीर पलट गई, अचानक से पलट गई तस्वीर। तो यहां तो अभी तो यही तस्वीर नजर आ रही कि प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ, और ये बड़े चेहरे आपको टी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, ज्ञानचंद गुप्ता पीछे हो गए हैं, वही हम कहते कि एक राउंड अंतिम राउंड की बात चल रही थी कि अंतिम राउंड में क्या ये अपनी बढ़त को बनाए रख सकते हैं या फिर पीछे हो जाते हैं। तो फिलहाल जो डेटा है उसके मुताबिक जो आंकड़े आ रहे हैं पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता पीछे हो गए हैं, हालांकि एक राउंड की ही अभी गिनती बाकी थी। वही दूसरी तरफ देखिए अंबाला शहर से पीछे चल रहे हैं आशीष गोयल, और वही कांग्रेस के जो उम्मीदवार है निर्मल सिंह बोरड़ा वो आगे चल रहे हैं। तो ये अंबाला शहर का आंकड़ा है, लगातार हर सीट पर जो अभी करंट ट्रेंड है वो आपको दिखा रहे हैं। जगाधरी से भी पीछे चल रहे हैं अभी बीजेपी के कंवरपाल, बीजेपी के कंवरपाल जी, ये जगाधरी से पीछे बड़ा चेहरा अक्रम खान, लेकिन कंवरपाल का पीछे रहना अपने आप में एक झटका है बीजेपी के लिए। पूर्व शिक्षा मंत्री और चाहे मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे, नाथ सिंह सैनी मुख्यमंत्री, इनका कंध कम नहीं किया बीजेपी ने, तो बहुत आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। फिलहाल पीछे अक्रम खान कुमारी सहजा के गुट से आते हैं, टिकट दिलवाने में भी कामयाब रही और लगातार मेहनत कर रहे थे, चाहे ग्रामीण परिवेश के लोग हो या फिर शहरी, सबके बीच में उनका एक अपना जनाधार है। वही यमुनानगर से घनश्याम दास आगे चल रहे हैं, रमन त्यागी पीछे हैं, रमन त्यागी पहली बार चुनाव लड़े लेकिन जमीन उनकी काफी मजबूत है क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पिछले 5 सालों से लगातार मेहनत भी कर रहे थे, कोई ना कोई पार्टी उनको टिकट देगी। रमन त्यागी को कांग्रेस ने टिकट दिया तो चुनाव मैदान में आ गए, लेकिन फिलहाल तो उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, वो पीछे चल रहे हैं। घनश्याम दास आगे चल रहे हैं यमुनानगर से, सिलसिलेवार तरीके से हम कहेंगे अपनी टीम को कि वो दिखाते रहे, लोग जानना चाहते हैं कि हमारे विधानसभा सीट का क्या हाल है। राधो श्याम सिंह राणा आगे चल रहे हैं, ये बड़ी बात है, कर्णदेव कंबोज को नाराज किया था, तो कर्णदेव कंबोज क्योंकि पूर्व मंत्री भी रहे और ओबीसी दलित को आगे दे, लाडवा सीट नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, बेवा सिंह पीछे, सिटिंग एमएलए है कांग्रेस के नायब सिंह सैनी, उनके घर कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी अंकित लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं, पहुंचा रहे, तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत उत्साह वहां पार्टी कार्यकर्ता उनके समर्थन। लाडवा से जो नायब सिंह सैनी है उनको आगे ही नहीं रहना बल्कि जीतना जरूरी है, चूंकि जिस तरह से उन्होंने फ्रंट से लीड किया है लगातार ये कहते रहे, शुरू से आपने देखा होगा चाहे वो प्रचार हो चाहे कुछ भी, हमेशा उन्होंने कहा नायब सिंह सैनी ने कि जीत हमारी होगी, और एक दिन पहले भी उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल जो है उसकी पोल की इसकी पोल खुल जाएगी एग्जिट पोल की और जीत हमारी होगी। तो इस तरह से देखिए कि लाडवा से नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, ये माना जाएगा सुदेश की लगातार उन्होंने पार्टी के लिए ये कहा है कि हमने 56 दिन, आपको याद होगा उन्होंने कह रहे थे कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो 8 अक्टूबर को रिलीज होगी, तो ऐसा लगता है कि जो नायब सिंह सैनी ने कहा था कि पिक्चर 8 अक्टूबर को रिलीज होगी तो ये शायद उनकी ये पिक्चर है, इसी पिक्चर की वो बात कर रहे थे कि पिक्चर 8 अक्टूबर को रिलीज होगी, पिक्चर रिलीज होती नजर आ रही है। लेकिन अभी चूंकि रुझान है जब तक ये पूरे तौर पर नतीजे बदल नहीं जाते, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ रहे और पिक्चर तो बाकी है, पिक्चर अब साफ भी हो गई है, लेकिन क्या उस पिक्चर के हीरो नायब सिंह सैनी है,
जाहिर तौर पर अगर इतना बहुमत का आंकड़ा होगा तो जाहिर तौर पर नायब सिंह सैनी, क्योंकि उन्हीं के चेहरे को आगे कर रख के ये चुनाव लड़ा गया, जीत का सहारा तो उनके सर पर बंधेगा ही, बहुत बड़ी जीत होगी बीजेपी के लिए, लगातार तीसरी बार ये कमाल ही होगा कमल का। तो क्या कमाल कर दिया है कमल ने, इसके थोड़ा इंतजार और कीजिएगा। हम सुबह से कह रहे कि इंतजार जरूरी है, सब्र जरूरी है, सब्र का फल मीठा होता है, वरना ये हो जाता है जैसा कांग्रेस के खेमे में अभी जो मातम सा पसरा हो, मायूसी है, शांति छा गई वहां पर, ऐसा ना हो। तो ऐसे में हम भी आपको बार बार इसलिए कह रहे हैं कि रुझान है परिणाम नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 20 सीटें ऐसी करीब करीब जहां पर पेचीदा है मामला, तस्वीर साफ नहीं है, पिक्चर साफ होती नजर आ रही, लेकिन 20 सीटें वो पिक्चर बदल भी सकती हैं, हीरो विलन भी बन सकता है। और जिसमें से एक सीट तो हम लगातार आपको बता ही रहे हैं, वो सीट है पंचकुला की, जहां लास्ट राउंड रहता है काउंटिंग का, वहां पर ज्ञानचंद गुप्ता और चंद्रमोहन बिश्नोई के बीच में कड़ा मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है, कोई 100-200 की लीड आगे पीछे हो रही है लास्ट राउंड में। तो ऐसे में दिल की धड़कने तेज जरूर है, लेकिन इत्मीनान रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, हर सटीक रुझान, हर सटीक परिणाम आप तक हम पहुंचाएंगे इत्मीनान के साथ बैठकर।